जी हाँ तुम लोगों को आवाज जा रही है मेरी, बताओ। राबिया, मुसी, फलक और कौन कौन है बताओ जल्दी, आवाज जा रही है मेरी क्लियर? हाँ सर, हाय सर, गुड गुड, अफजल, ठीक है स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, आवाज जा रही है मेरी क्या क्लियर? हाँ सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, यस सर, गुड। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है चलो, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, ध्यान से देखो। चलो दे दो मुझे मोबाइल, दे दो बाबू, आकाश स्विच ऑफ कर दियो ना, एयरप्लेन मोड नहीं डाल दियो, कॉल ना आएगा, कॉल आएगा तो मोबाइल नहीं रहेगा तुम्हारा यहाँ पे, गारंटीड है। छोड़ो ना, स्टार्ट करते हैं, लिखो, दिख उसमें लिखा हुआ दिखना बाबू, वर्षु दिख रहा है, लिखो, एडिंग दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, आ गया डाइपोल, फिर से डाइपोल की एंट्री आ गई है। डाइपोल के बारे में तो सुने हो, नहीं सुने तो फिर सुनाते हैं अभी कहानी, ढंग से लिखो इसको, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम दिस इज वेरी इजी बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस कंसेप्ट। ओके क्या पुष्पा, रिविजन हो रहा है, देख रही हो? हाँ गुड, कुछ भी तारीख है पहले जल्दी लिखो, फर्क सुनिए टाइम नहीं लगा, दिख रहा है सबको? ओके ओके चलो जुड़े रहो, एकदम स्टार्ट कर रहे हैं। चलो देखिए जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की वैसे लिख लिया, हेडिंग दे दिया, आ जाते मुद्दे पे। चलो ये प्लस क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा बाबू, पोटेंशियल क्या होगा याद है, बताओ जी सकीबा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल बताओ, के क्यू बाय आर, गुड, बहुत आसान है। के क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम कांस्टेंट क्यू बाय आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता था तो आर स्क्वायर हो जाता था पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना। यही टॉपिक, सेम टॉपिक हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, पढ़े थे ना, एक्सिस पे एक्सल लाइन अलग, इक्वेटोरियल पे अलग, एक जनरल पॉइंट पे अलग, याद है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो लॉन्ग टाइम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन इट्स एक्सिस, बताया था ना एक टॉपिक, ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन या प्लेन, एक पढ़ाया था मैंने जनरल पॉइंट, याद है, अरे पढ़ाया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, पोटेंशियल निकाल रहे हैं। अच्छा बताओ, पोटेंशियल में चार्ज प्लस क्यू है माइनस क्यू, फर्क पड़ता है ना, प्लस क्यू की वजह से प्लस पोटेंशियल, माइनस क्यू की वजह से मान लो माइनस क्यू रखा हुआ, बताओ इसका वैल्यू उतना ही डिस्टेंस पे, जल्दी बताओ कितना होगा मैग्नीट्यूड, ठीक है वैल्यू बोलो, पोटेंशियल बोलो, के माइनस क्यू बाय आर, या ना हाँ, इसी को दूसरे तरीके से लिखो, कैसे लिखोगे, माइनस क्यू बाय आर, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है, बताओ स्केलर पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, क्लियर हो गया, और जीरो भी हो सकता, हाँ दिख रहा है, गुड, खाली कटना नहीं चाहिए।
अब मुझे डायपोल बनाना है। डायपोल याद है किसी को? वर्चू। डायपोल बताओ क्या होता है, चार डायपोल के बारे में बता सकते हो? हाँ, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। गुड, सही है। एक प्लस क्यू चार्ज लेंगे, याद है कि नहीं है? एक माइनस क्यू चार्ज लेंगे, याद है? याद है? माइनस क्यू प्लस क्यू, पहले माइनस लेते थे प्लस लेते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना ले लो। इनके बीच का डिस्टेंस क्या लेते थे, याद है? इनके बीच का सेंटर बीच में क्या लेते थे? ओ। डिस्टेंस बताओ, ए ए। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं, बताओ? डायपोल किसको बोलते हैं? डाइम क्यों नाम रखा गया? डायपोल क्यों रखा गया? क्योंकि दो पोल यानी दो चार्ज, एक प्लस एक इक्वल मैग्नीट्यूड, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस नहीं पाएगा, तो ये माइनस क्यू चार्ज हो गया। क्या हो गया? माइनस क्यू आई हो गया प्लस क्यू। अब बताओ, इसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, क्या पोजिशन पे निकालते बाबू? तीन पोजिशन पे। एक निकाले थे तुमको एक्सियल पे, एक्सियल किसको बोलते हैं? जो इसका एक्सिस है, जो दोनों चार्ज और सेंटर से पास करता है उसको बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? डायपोल का एक्सिस। एक इसके इस डायपोल के एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन जिसको बोलते हैं इक्विटोरियल। क्या बोलते हैं? वो हमेशा सेंटर से हम लोग पास करते थे ना, सेंटर मिड पॉइंट। अब बताओ, तो पहला केस क्या करते हैं बोलो? एट एक्सिस, एट एक्सिस, एक्सिस पे निकालते हैं, सिंपल। ठीक है, निकाले? हाँ, क्या निकालेंगे? पोटेंशियल। अब एक चीज बताओ, पोटेंशियल इधर निकाल सकते हैं और इधर अंदर में कभी नहीं निकालते, क्योंकि डायपोल जो है, हम लोग जो डायपोल की बात करते हैं वो शॉर्ट डायपोल की बात करते हैं, और हम लोग हम डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करते हैं? सेंटर से। दिस इज अ सेंटर ऑफ द डायपोल। डायपोल का क्या ही है? सेंटर। सेंटर को क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट है ये डायपोल का, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? टू है। तुम इसको एल एल भी बोल सकते हो, तो टू एल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या समझे? अब किसी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल लेफ्ट भी राइट भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट भी निकाल सकते हैं। तो पॉइंट किधर लोगे? एक्सिस पे लेना है, एक्सिस के बाहर नहीं जाना है। तीन केस करेंगे अभी, एक केस करेंगे हम लोग एक्सिस पे, एक केस करेंगे इक्वेटोरियल पे, एक करेंगे जनरल केस। क्या करेंगे? सेम काम, सेम पोजीशन, यस सेम काम करेंगे। एग्जाम में तुमको बोल देगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल निकालो, तीनों केस करना पड़ेगा। खाली बोलेगा एक्सिस पे, एक्सिस पे निकाल लोगे। वैसे एग्जाम में नाम बोल देता है कि एक्सिस में निकालना है कि इक्वेटोरियल पे निकालना है, ओके, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो, तो मैं क्या करूं, कहां पे निकाल दूं? यहां पे निकाल दूं क्या? इस पॉइंट का नाम कुछ दे दो, दे दे। कौन सा? इधर का, इधर के लिए निकाल, इधर निकाल सकते हो, उधर निकाल सकते हैं। अच्छा, इधर निकालोगे तो गौर से देखो, इधर निकालोगे बताओ पोटेंशियल क्या होगा, वैसे होगा दो चार्ज की वैसे होगा, एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से, एक सुनो, ये डिस्टेंस हम, ये जो पॉइंट मैंने लिया, ये पॉइंट को मैं बोल देता हूँ कि आठ डिस्टेंस पड़े, कितना डिस्टेंस पड़े? आठ डिस्टेंस पड़े, जल्दी बताओ कितना डिस्टेंस, जल्दी बताओ। आठ डिस्टेंस, डिस्टेंस आठ डिस्टेंस क्यों लिया गया? डिस्टेंस कहां से मेजर करना है हमेशा? पुष्पा, हमेशा याद रखना, सेंटर से डिस्टेंस मेजर किया था। तो मुझे जिस पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए उस पॉइंट को सेंटर से मैंने क्या बोल दिया? आठ। क्या बोल दिया? अब तुम बताओ यहाँ पे कितने चार्ज है, कितने पॉइंट चार्ज है? दो। एक प्लस क्यू चार्ज है, एक ही बताओ, प्लस क्यू इस पॉइंट से कितना दूरी पर है? बताओ पुष्पा, ये प्लस क्यू चार्ज पॉइंट पी से कितना दूरी पर है? प्लस क्यू चार्ज पॉइंट पी से कितना दूरी पर है? सही बोल रही हो, यहां से यहां तक ये आर है, कितना है ये? कितना है? और यहां से यहां तक क्या है? ये ए है, यहां से यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक आर है, और ये ए है। हमको ये डिसना चाहिए कि आर माइनस ए, समझिए? अरे यहां से यहां तक दिख रहा है कि ए है, ये क्या है? ए है, और ये टोटल कितना है? आर। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर माइनस ए, कोई दिक्कत? अब बताओ माइनस क्यू कितना दूर है पी से? आर प्लस है, क्योंकि ये तो आर है यहां तक, यहां तक क्या है? और ये डिस्टेंस कितना है? ए। दिखा जाएगा यहां से यहां तक डिस्टेंस आर प्लस, तो ये r माइनस ए यहां से यहां तक डिस्टेंस हुआ। मैं यहां तक इसको नहीं बना रहा हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा, यहां तक बना देता हूं। ये हो गया तुम्हारा r माइनस ए, r माइनस ए, और यहां से यहां तक डिस्टेंस बोलो। फिगर सही से बनाओगे गलती नहीं होगा। r प्लस, अब कॉमन सेंस है, ये माइनस क्यू पी से ज्यादा दूरी पर है, अब प्लस क्यू पी से कम दूरी पे, इसलिए r माइनस ए r प्लस है। क्या समझ आ गया?
ऐसा काम किए कि नहीं किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, हो गया काम बन गया अपना, क्योंकि प्लस क्यू का डिस्टेंस पता ही है, माइनस क्यू का डिस्टेंस पता ही है, कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि ये तो यहाँ पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का चक्रों नीचे एरो एरो देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, स्केलर क्वांटिटी है, तो प्लस माइनस दोनों को जोड़ देंगे सीधे काम बन जाएगा अपना, क्या समझा आपको, कैलकुलेशन कर लेंगे। हाँ फिर एक लास्ट में एक अजम्पशन करेंगे कि हम लोग शॉर्ट डाइपोल लेंगे, वहां पे आर का वैल्यू ए से बहुत बड़ा होगा, डिस्टेंस इज मच मच ग्रेटर देन ए, क्योंकि शॉर्ट डाइपोल में ए बहुत छोटा होता है, वो आप बाद में करेंगे। अच्छा ये बताओ प्लस क्यू का पोटेंशियल ज्यादा होगा, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ पी पॉइंट पे पोटेंशियल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेट पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, जब पोटेंशियल पूछ रहा हूँ ना तो केवल प्लस क्यू और माइनस क्यू के वजह से नहीं पूछ रहा हूँ, टोटल के वजह से पूछ रहा हूँ, तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, सोचो पहले तो तुमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्लस क्यू की वजह से क्या होगा पॉजिटिव, प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, माइनस क्यू की वजह से नेगेटिव, अगर इक्वल होता तो आंसर जीरो हो जाता, ताकि एक पॉजिटिव पोटेंशियल है एक जोड़ के जीरो हो जाएगा, लेकिन इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि डिस्टेंस इक्वल, इक्वल डिस्टेंस पर अगर होता तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, याद रखें प्लस की वजह से प्लस माइनस की वजह से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, काम खत्म कर देते पोटेंशियल जीरो, बट यार प्लस क्यू का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि माइनस क्यू का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बताओ वैल्यू वाइज प्लस क्यू में ज्यादा होगा, यार डिस्टेंस देख रहे हो, जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना आर के, आर कम तो पोटेंशियल ज्यादा, आर डिस्टेंस ज्यादा तो पोटेंशियल, या तो फोर्स वाला बात पढ़े, पूरा फोर्स पढ़े हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हो, ये तो पढ़े हो कि जितनी ज्यादा दूरियां होंगी मोहब्बत उतना कम होंगी, क्या पढ़े हो, दूरी जितना ज्यादा फोर्स उतना कम, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, यही है, तो क्यू का पोटेंशियल ज्यादा, प्लस वाला पोटेंशियल ज्यादा और माइनस क्यू वाला पोटेंशियल, क्यू बहुत दूर है वो अपनी से, समझा मिस्टर Why you in sadma? Why you are in sadma? Plus Q की वजह से potential ज्यादा, minus Q की वजह से potential कम, तो positive potential ज्यादा है, और negative potential? तो plus वाला ज्यादा, minus वाला कम, तो बड़का में छोटका घटाएंगे तो plus में answer आएगा, यानी कौन potential? जल्दी बताओ यहाँ पे, positive potential, net potential कितना होगा? Positive, net potential इस point पे, बुझ गया? यहाँ पर भी नेट पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी हम लोग हमेशा डायपोल के बारे की बात करेंगे, डायपोल के अंदर की बात, तो पॉजिटिव पोटेंशियल कैसा है समझा, फिर सुनो प्लस की वजह से पोटेंशियल ज्यादा आएगा, मान लो इसकी वजह से प्लस 100 वोल्ट आया, कितना वोल्ट आया 100 वोल्ट ले लो, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है वोल्ट, 100 वोल्ट, और माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, कम में होगा पोटेंशियल लेकिन नेगेटिव में होगा, कितना लोगे माइनस 50 वोल्ट मान लो, ओवरऑल जोड़ोगे प्लस में आया माइनस में आया, हो गया आपको सर बड़का का आया होगा सर, पी क्यू की वजह से बड़का क्यों होगा, क्योंकि ये कब दूरी पर है, इसका छुटका क्यों होगा सर, क्योंकि ये ज्यादा दूरी पर है, बुझ गया अब समझ गए पुष्पा, बोलो दोबारा समझाते हैं, नहीं क्लियर होता बोलो दोबारा, अब आपको सर ठीक है आपका बात मान ली, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा सर, आपको बता इधर का होगा सर, इधर देखते हैं, इधर पॉइंट देख लो ठीक है, यहाँ पर देख लो, आप बताओ यहाँ पर तो माइनस क्यू नजदीक है, तो माइनस क्यू का पोटेंशियल न्यूमेरिकल वाइज साइन को छोड़ो तो ज्यादा होगा, तो मान लो माइनस हो इसका हो जाएगा है ना, और इसका पोटेंशियल चूंकि प्लस क्यू बहुत दूर से, तो इसका पॉजिटिव वाला वैल्यू कम होगा, प्लस 50 ले लो, नेट जोड़ोगे कितना होगा, क्लियर हो गया राइट, में पॉजिटिव पोटेंशियल लेफ्ट में नेगेटिव पोटेंशियल, बुझ गए भालो, चलो ठीक है अब कहानी सुपर हिट करते हैं, हो गया पूरा काम खत्म, हम पी पे ले रहे हैं, हम लोग जनरल कभी भी लेते हैं एक्सिस में पार्क लेते हैं तो हमेशा लेफ्ट राइट लेते हैं, क्या लेते हैं, चलो सुनो अब हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, पोटेंशियल में लिख रहा हूं, फिर बात टोटल पोटेंशियल किसमें निकालना है, टोटल पोटेंशियल किसमें निकालना है, एट पॉइंट पी, कुछ मान लो उसको भी मान ले, लिखते भी इज इक्वल टू भी प्लस प्लस भी माइनस, सर ये भी प्लस का है सर, प्लस क्यू का पोटेंशियल भी प्लस बोल दिया मैंने, ना सर प्लस नहीं बोलिया, बड़ा बेकार लग रहा है, घटिया V1 V2 लिख दिया, हाँ ये भी अच्छा है, V1 V2 हो गया प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल, अब V2 हो गया, अब 1 नहीं लिखा हुआ ऐसे था कर में, ये पूरा क्लियर हो जाता है कि ओ प्लस क्यू का पोटेंशियल प्लस माइनस क्यू का पोटेंशियल, ये सिंबल है, इस सिंबल देख करके बच्चा लोग फिजिक्स में बड़ा तकलीफ होता है, क्या होता है कोई सिंबल नहीं, अभी सर तुमको ना शौक है ना, तो क्या करो ना सर, हम क्या करते हैं V प्लस को लिख देते हैं, V प्लस के मान पोटेंशियल बोलो ऐसे, दूसरा कलर देते इसको क्या जगह नहीं, यहां देते हैं भी प्लस का मतलब हुआ पोटेंशियल, कोई लैंग्वेज नहीं लिख रहा है जो मैं बता रहा हूं, पोटेंशियल ड्यू टू बोलो प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू
क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। वी माइनस बोलो, वी माइनस क्या है जल्दी बोलो, पोटेंशियल खुद से बोलो, हमने वो बोल रहे हैं ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट पी हो गया। अब नेट पोटेंशियल बोलो, वी इक्वल टू वी प्लस, तो पहले वी प्लस अलग अलग लिख रहे थे, बाद में कर लेंगे इसको वी प्लस। इधर उधर जगह गैप नहीं छोड़ना, मैंने फिगर बनाया हुआ था कुछ क्लियर। उसका बुझ रही हो तो आप क्या करें बताओ, पहले वी प्लस का ले लो, फॉर्मूला कहाँ पर है बताओ, के क्यू आई आर कहाँ पर है, प्लस का लो कहा प्लस क्यू क्यू से पोटेंशियल तो लिखो के लिखो, के लिखो पहले प्लस क्यू लिखो, प्लस नो भी दिखाएंगे चलेगा। और डिस्टेंस बताओ कितना डिस्टेंस है, आर माइनस है, क्या समझ आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को समझ आया, चलो नहीं समझ आया तुम छोड़ी क्लास तो कैसे आए हो, बीच में आ गई हो, कोई बात नहीं है समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर माइनस ए, और बताओ वी माइनस बताओ, के माइनस क्यू बाय डिस्टेंस बताओ इसका, माइनस क्यू का आर प्लस है, आर प्लस इसका मतलब फील्ड नहीं पड़ी होगी, फील्ड पड़ी हो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी हो, कोई बात नहीं है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी रहती तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता, हो जाएगा रिवीजन करोगे तब। चलो हो गया जी, माइनस कर दिया, कोई डाउट किसी को, अब दोनों का कर देंगे धाके जोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है, काम कर दे यहां जोड़ दे, क्या माइनस कहां से आ गया ये पूछ रहे हो, कब पूछ रहे हो, कोई डाउट नहीं है, बात नहीं करो बाबू, बात नहीं करो, बात नहीं करो, यहां से कर दे लिखे टोटल करें, इसको मिटाना नहीं चाहते, कोई बच्चे का छूटा होगा तो लिख लेगा, लिख लोगे तुम ठीक है, ये लिख लोगे, हम इसलिए मिटा नहीं रहा, बादल बना के इसको अलग से लिख लोगे, थ्योरी है ओके। कोई तो है जो बात कर रही है, कोई तो हो जो अंदर से बाहर जैसा हो, बाहर से अंदर जैसा हो, हेलो पुष्पा देख रही है बाबू, तुम नहीं देखोगे तो मजा नहीं आएगा, हम बता रहे हैं, ये नेट हो गया भी डी इक्वल टू आता भी प्लस का वैल्यू लिखना के क्यू बाय आर माइनस ए, इसको बोलो पहले माइनस करो, माइनस प्लस माइनस क्यू क्यू बाय आर प्लस ए। अब कॉमन सेंस वाली बात है कि ये डिस्टेंस छोटा है इसलिए ये बड़ा वैल्यू होगा, ये डिस्टेंस बड़ा है इसलिए ये वैल्यू छोटा, नीचे में छोटा जितना होता है वो बड़ा हो जाता है, नीचे में जितना बड़ा होता है वो बड़ी, ये वन बाई फाइव बड़ा है कि वन बाई टू बड़ा, बताओ ले बताओ टू बड़ा है, समझे बात को, कहे कि नीचे में छोटा रहेगा तो बड़ा हो जाएगा ओवरऑल, ये चीज होता है ठीक है। अब कैलकुलेशन करो क्या कॉमन लेंगे बताओ, क्या कॉमन बताओ, क्यू कॉमन ले लो अंदर का, अच्छा आर माइनस ए, आराम से पांडे जी आराम से, अभी कोई लिखेगा नहीं, कहे के जो बच्चा लिख रहा है ऑनलाइन वाले बच्चे उसको तुम गाली से घिरा देंगे, बता जो बच्चा लिख रहा है, कोई बच्चा ऑनलाइन वाला लिख रहा है समझ जाते हैं, वो यहाँ हार्ट बीट धड़क रहा है मेरा आर माइनस ए आर प्लस ए, एलसीएम ले ले, चलो एल उधर करो आर प्लस ए ब्रेक कर दो, अच्छा लगता है आर माइनस ए, कोई दिक्कत किसी को, घेर दो इसको अच्छे से, ये बाद में कर देंगे, घेर दो इसको मिटाएंगे नहीं हम, तुम चिंता नहीं करो, क्या टेढ़ा करें, क्या टेढ़ा करें बच्चा, क्या बोलता है ये लड़का, चुपचाप हो जाता है, फिर बोलता है चुप हो जाता है, जैसे ना गाल पे सांस बोलती है दमा दे बगल में दमा दे, चुट्टा कहेगा बताओ बताओ आर प्लस ए माइनस 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 प्लस कर दे इसको, बोलो ना नहीं करता, ए प्लस बी मैंने भी बताओ, सिर्फ कैलकुलेशन है कुछ नहीं है, इतना छोटा बात को कर रहा है, ए से आर को आर मार दे, के क्यू इंटू टू ए आर स्क्वायर माइनस टोटल पोटेंशियल इतना आ गया। अब हम इसको जानते हो ना, जब भी डायपोल की बात करते हैं तो डायपोल को पी के ए पांडे पी के हिसाब से लिखते हैं, किस हिसाब से लिखते हैं, पी मतलब डायपोल मोमेंट, याद है ना, तो लिखो यहाँ पे डायपोल मोमेंट भी, P इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट, क्या होता है बाबू बताओ डायपोल मोमेंट, कोई चार्ज और दोनों में से कोई दोनों का टोटल डिस्टेंस Q इंटू टू है डायपोल मोमेंट, व्हाट इज P, व्हाट इज P, ऐसा करते यहाँ पर लिख देते तुम लोगों को ताकि क्लियर हो जाए, सो P इज
डाइपोल मोमेंट, डाइपोल डाइपोल मोमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी है। तो पी का वैल्यू एक चार्ज है, दोनों का डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है डाइपोल मोमेंट, चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है। हम डाइपोल के ऑर्डर में पूछे थे उस टाइम, कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है? क्यू क्यू इंटू टू दिख रहा है? बोलिए ना रही हो पुष्पा, बट क्यू इंटू के इंटू पी लिख रहे हैं, आर स्क्वायर माइनस इतना निकला। आप यहाँ पर क्या करेंगे, पोटेंशियल निकल गया, वी इक्वल टू के पी, छोड़ नहीं इधर का कर लीजिए, वी इक्वल टू के पी बाय आर स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला आ गया, यही टोटल पोटेंशियल आ गया, यही टोटल आ गया फॉर्मूला। बट ये फॉर्मूला हमारा अपना काम का नहीं है, ठीक है, अपना काम का है शॉर्ट डाइपोल, किसके लिए मैं लिख रहा हूं, फोर शॉर्ट डाइपोल, छोटे से नन्हे मुन्ने डाइपोल के लिए, किसके लिए, नन्हे मुन्ने डाइपोल के लिए। पता है कि आर का मान इज मच मच ग्रेटर देन, मच मच ग्रेटर देन ए, आर बहुत 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 बड़ा होगा ए से, और ये डाइपोल बहुत छोटा होगा, छुट्टू होगा, तो जो ए है ए तो बहुत छुट्टू होगी, और आर बहुत बड़ी होगी, पॉइंट बहुत दूर होगी, है ना, तो ए छुट्टी होगी तो आर तो बड़ी होनी होनी है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आर में से ए घटाएं या ना घटाएं, बात सेम, मैंने ए तो छुट्टी है ना, तो छुट्टू मतलब जीरो, घटा दो उसको, खत्म में कर दो, तो लिखो आंसर, यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि आर स्क्वायर में ए स्क्वायर घटाओगे तो आंसर खाली आर ए स्क्वायर लिखोगे, क्या लिखोगे, दिख रहा है ना आंसर, क्या लिखोगे, लगभग बोलते हैं ए स्क्वायर घटा देना, ठीक है, चलो अब आंसर लिख दो, क्या होगा आंसर बताओ, इसलिए बी इज इक्वल टू, इसके नीचे लिख देंगे, बताओ के P, अब बताओ ए स्क्वायर घटा देंगे आंसर क्या बचेगा, दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, नेट पोटेंशियल या टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, बुझ गए, ये प्लस में आया ना, अगर इसी को राइट में निकालते तो कुछ में आता, माइनस में आता, क्या समझा, कोई डाउट किसी को, बताओ याद करो आज से 200 साल पहले पढ़ाए थे, देखो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1 बाय आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्यू के किलो का एक पावर बढ़ जाता है। उसी तरह पोटेंशियल में देखो, पोटेंशियल आर का पावर एक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डायपोल में कितना होगा, क्या समझ आ रहा है, जस्ट वही लॉजिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का बन बाय आर स्क्वायर, ई डाइपोल टू बन बाय आर स्क्वायर, और ये डाइपोल का ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू या बन बाय आर क्यू बोल दो, ठीक है, और पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, भी पॉइंट चार्ज का बन बाय आर, और ये भी डाइपोल का बन बाय आर स्क्वायर, जस्ट देख लो ना एक पावर बढ़ गया, कोई डाउट किसी को, अभी मैंने किस में निकाला ये एक्सियल पे, अब निकालूंगा इक्वेटोरियल पे, उसके बाद निकालूंगा कोई जनरल पॉइंट पे, बहुत इजी के बहुत टफ है, कोई दिक्कत किसी को, ये कैसे आ गया, पी कहां से आ गया, पी समझे, क्यू इंटू टू को मैंने लिख दिया पी, क्यू इंटू टू को लिख दिया पी, पी क्या कहलाता है, डायपोल मोमेंट, अक्सर डायपोल मोमेंट कैसे निकालता है, चार्ज को एक चार्ज ले लो और उनका डिस्टेंस ले लो, को एक चार्ज और उनका डिस्टेंस क्या है, ए कितना हो गया, टू है, बात खत्म, फिर हो गया बेटा इसको, ये साइड से जिस बच्चे का छूट गया उतारेगा, बाकी सबको अच्छे से डिजाइन करके उतारो, ऐसे फिर ऐसे तरह से अच्छा सा फिगर भी बनाओ अच्छे से, कोई एरो वेक्टर क्वांटिटी का कोई टर्म यहाँ पर इस्तेमाल करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा है, देखते हैं किसी बच्चे का, ऑनलाइन बच्चे का कोई डाउट हो, ऑनलाइन किसी बच्चे को डाउट है, अरमान लाइव हो का अरमान के साथ क्या संबंधी बनाना है, मुसीब, तो पता नहीं कि अरमान के भौजी का शादी है, सॉरी अरमान के भाई का शादी है, तो भौजी का शादी हुआ, जा शादी के बाद ना भौजी बनेगी, कभी अच्छा भौजी बोल दिया था, नो डाउट सर, वाह वाह वाह, लिखो पहले लिखो, नो डाउट, चलो मुसीब, नो सर कोई डाउट नहीं, उतारो जल्दी, बड़ा मजा आएगा, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान है, जिसको एक्स्ट्रा जिसको टॉप पोटेंशियल वाला टॉपिक छूट गया ना, बादल जो घेर दिए बादल से वो उतार लो, और जिसका नहीं छूटा पूरा पोटेंशियल एकदम जबरदस्त कर लो, बहुत ईजी, कुछ नहीं है, पहले फिगर ड्रॉ करवाओ फिगर, अच्छा सर चप्पल पहन के आ गया बाबू, बाबू उधर क्या हो, जाओ जल्दी जाओ जल्दी आओ, कोई बात नहीं है, नहीं पता था आज पता चल गया, देखो ना देखो हम भी, हम मेरा चप्पल देखो ना, देखो मेरा चप्पल है, नहीं हम भी उतारे भैया, कोई बात नहीं जाओ,
पता नहीं था, आप कल से पता रहेगा ना, आराम से आराम से ना। नीचे सबसे नीचे रख के आओ, कोई नहीं चुराएगा। हाँ तुम लिया ना एगो, सुनो ना सुनना, जिया जी को बोलोगे एगो ताला लगाने वाला फ्री दे दीजिए ना गिफ्ट में, चप्पल में ताला लगाएंगे। लगती आ जाओ, हिलना नहीं चाहिए था उधर का। हाँ ठीक है, ताला लगा के चप्पल को रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम से याद रहेगा। ट्वेल्थ का पटेंजल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ी है तुम जी, हाँ तो तुम्हारी कौन थी वो खाला थी, वो बोले थे कि पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट चैप्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब पार्ट टू का नाइन चैप्टर जो है ना ऑप्टिक्स, हाँ वो ही पढ़े थे, बस ये पढ़े थे, वेव नहीं पढ़े। ऑप्टिक्स पहले स्टार्ट कर दिया था सर। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, चैप्टर हम बता देंगे तुमको, पहले उतार लो उसको। सेकंड वॉल्यूम में स्टार्ट करता है कोई टीचर, करते हैं ऑप्टिक्स सीधे। ये भी लंबा चैप्टर है बाबू, ये चैप्टर अभी देखो 3 महीने से चल रहा है। कितना महीने से चल रहा है ये? 3 महीने से चल रहा है। सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर सब मिले, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर सबको इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं सब, फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, फोर्थ फिफ्थ, 7 तक इलेक्ट्रोस्टैट कहलाता है। समझ लो, तो ये सबसे बड़ा चैप्टर है ट्वेल्थ का, और इसके बगैर आगे बहुत सारा कंसेप्ट इस्तेमाल होता है तो उसमें पढ़ाया जाता है। अब जैसे मान लो इसको वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया जाता है ना, अब वेव ऑप्टिक्स पढ़ते तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है ना, तो वहां पे क्या करता है टीचर, फिर भी पढ़ा देता है। तो तरीका सर इसको एनसीईआरटी वाले का पागल कुत्ता काट लिया था कि पहले चैप्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, ऑप्टिक्स पहले क्यों नहीं डाल दिया। लेकिन टीचर अपने सहूलत के हिसाब से पढ़ाते हैं कुछ कुछ टीचर सब है ना, ताकि वो मैंने बोला मैंने तुमको मैथमेटिक्स में स्टार्ट करेंगे हर जगह अलजेब्रा मैट्रिक्स अलजेब्रा, ताकि बच्चों को आसान लगे, ताकि बच्चा लगे कि नहीं सर बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं। ठीक है, एक लॉजिक ये है, और ऑप्टिक्स चूंकि 10 से रिलेटेड है, 10 में तुमने पढ़े थे ना लाइट सब चैप्टर सब, तो बच्चों को लगता है ओ यार मजा आ गया, अब 12th तक मजा तोड़ देंगे, मैं 12th को बिना पढ़े हुए तोड़ देंगे। समझी जो एनसीईआरटी बनाने वाले जो इतने बड़े महान महान जो साइंटिस्ट लोग रहे होंगे, तो उनको पार्ट टू को पार्ट वन बनाना चाहिए था, और पार्ट वन को पार्ट टू बनाना चाहिए था। नहीं ये मुद्दा नहीं है बाबू, मुद्दा ये है कि पहला चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तुमको पता चला ना, बहुत लंबा भी है। ये रे ऑप्टिक्स में से इसका कोई जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा, वे ऑप्टिक्स में जरूरत पड़ती है। लिखो लिखो, कोई बात नहीं है, छूट गया है सब मैनेज हो जाएगा, कंटिन्यू होगी सब मैनेज हो जाएगा। तुम्हारी खाला को हम समझा दी थे एक बात और है ना, देखो ने रिकॉर्ड हो रहा ना, सब लेक्चर मेरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, यही यहाँ। हाँ समझा दिए थे, किसी का ऑनलाइन कोई डाउट है बाबू, राबो एनी प्रॉब्लम? ये राबो गांव में बेडरूम चिपक गई है, कैसे चिपक गई समझ नहीं आता, फिर भी क्यों लगा दिए, कोरोना के डर से नहीं, कुछ और भी प्रॉब्लम है बेचारी के साथ। चलो तुम नहीं समझोगे, ये दिल की बात है। समझी क्या पुष्पा बोले, पुष्पा स्केल यूज करो, कोई बात नहीं छूट गया था तो एरो ना, स्केल बनाया करो, हम कई बार बोलते हैं फिजिक्स में स्केल बहुत जरूरी है। क्या पहला चित्र सब करना है ए टू जेड करना, छोड़ो क्यों, एक साल पहले क्यों पढ़ रहे हो, छोड़ने के लिए
जब हम पढ़ाए तो बढ़ना है, बात खत्म। ये चीज का ख्याल रखना कि लैंग्वेज वाला कोई चीज याद करने की कोशिश मत करना, बात खत्म। डेरिवेशन पे फोकस करना, क्यों डेरिवेशन तुम्हारा छोटे यानी नंबर पूरा डेरिवेशन करो। अब बताओ इस डेरिवेशन को अगर दो तीन बार प्रैक्टिस कर लिया जाए नहीं बढ़ेगा एक बार में? अब तुम इसको छोड़ दोगे 200 साल पहले के लिए, बात के लिए कहाँ होगा? इसलिए लिखे कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछने की संभावना ज्यादा है, पहले उसको करो। अब बाकी जो नहीं मैंने लिखा बीबीआई ना उसको भी करो। अगर तुम क्या बोलते महा जानने बिछाओगे ना, समझ रहे हो, तो महा बेवकूफ बन जाओगे। कहते हैं कि छोटका जाल में सिर्फ मछली कम में फंसती है, पूरे पोखर की मछली नहीं फंसती है। महाजाल लगाओ सारी की सारी मछली उसमें आ? जब जिस दिन तुम महाजाल में फंसोगे ना तब समझ आगे बड़की मछली फंसी बड़ी मछली है, इसका वेट जो है 40 किलो है फूल कुमारी है ना पुष्पा बाबू तुम खुद 40 किलो 45 हो, वाह कमाल हो। तो कहा खाती है तुम्हारी तरह जिस नहीं करती है ना, अब ब्याह वहां जाते तो तुम्हारी तरह नहीं की बैठी रहती है, मुंह देखती रहती सबका, मेहंदी खाने लगाती रहती है, खाती है खूब ना जी, जो मिलता है खाती है अपना। तो अरे वो आफिया है, खाली घूमती रहती है खाती रहती है। अच्छा जिया जी आते थे टॉफी उफी लगाते नहीं जी, जाते ना आप लेकर गए चॉकलेट ले जाते ही ना, ये आइसक्रीम लगाते आते ही होंगे। हाँ ये कंजूस लड़की है, अब ब्याह करेगी तो मेरा कपड़ा भी नहीं देगी, उस्ताद का कपड़ा उस्ताद का कपड़ा तुम रूल को चेंज करोगी, कहोगे मेरे उस्ताद का कपड़ा होगा इस बार कायला उस्ताद का कपड़ा होता है, तुम झगड़ा करके लोगी कि मेरे एहसान सर का कपड़ा मिला, तुम थोड़ी दोगी, तुम्हारे पास थोड़ी लगेगा, लड़का वाला लगने लगेगा, ना ना तुम दोगी, ना 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 गलत बात, बहुत घटिया सोचे लड़की का, हक मार लेगी, भला नहीं होगा तुम्हारा, हम बता रहे हैं तुमको भला नहीं होगा। जो ज्ञान मिल रहा है सब ज्ञान बाद में जब एग्जाम देने के लिए बैठे सब धुआं धुआं में बन के निकल जाएगा, लो मजाक नहीं कर रहे हैं, सर का हक नहीं मानना चाहिए। अभी टॉपिक वाला बाकी है, उधार है कर्ज है, ऊपर से ये कपड़ा मेरा शादी वाला था अभी से तैयार कर रखा ना ठीक है मुसीब नोट हो गया सर, चट्टा क्या बोलता है लड़का लोग को चट्टा बोलते हैं, अर्चना को अर्चू बोलते हैं, राबिया को राबो बोलते हैं, लड़का लोग को चट्टा क्यों बोलते हैं? जबरदस्त बात बोलता है चट्टा, पत्ते की बात बोलता है लड़की लोग को चट्टी बोलते नहीं बोलते हैं कोई बात नहीं है, 6 महीने तक घुसना है, क्या करोगे उसके बाद तो घर पे बैठ करके मेहंदी लगाओगे, इंतजार रहेगा मेहंदी हाथों वाली गाना गाओगे। नोट हो गया सर, गुड गुड नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं हम, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, नहीं हुआ पुष्पा जल्दी फटाफट इतना सुनो, बात भी सुनो काम भी करते रहो। हाँ आफिया है, ओ हाँ तुम्हारी सब बैचमेट है ना, चलो ठीक है, कोई कहीं पढ़े का फर्क पड़ता है, फर्क किसी ये बात का पड़ता है कि पढ़ाई करते हो नहीं करते हो घर पे, कौन कहाँ पढ़ता है ये मायने नहीं रखता है। हाँ अच्छी बात है लेकिन चलो, हाँ बैचमेट मिल जाती तो अच्छा लगता है ना चलो हो गया जी हो गया, और काश तो अपना बेचारा ओल्ड इज गोल्ड है ना जी, तू लोगे ओल्ड इज गोल्ड।
अभी तक तुम लोग नोट नहीं हुआ है, एक बार मैच करो ना क्वेश्चन, कुछ टफ है क्या, कुछ है क्या, कुछ है बताओ कुछ बा। अब ये तो एक्सेल पे हो गया, किस पे हो गया, एक्सेल पे। आप करेंगे इक्वेटोरियल पे, क्या होता है इक्वेटोरियल समझ। मुसीब नोट हो गया सर। हाँ बच्चा तुम लोग तो नोट कर लेते हो, लेकिन यहाँ का जो चट्टा सवा चट्टी सवा है वो मैंने की वो क्या बोलते है वो गधा ना होता है जिसको पैर में कुछ हो जाता है टुकड़ टुकड़े चलता है वही है। सच्चा यार कछुआ था, कछुआ जीत गया था। चलो ठीक आगे बढ़ते हैं। हो गया पुष्पा आगे बढ़े बाबू। बताओ ये डेरिवेशन सब फिजिक्स में बच्चा लोग अक्सर बोलता है, सुनो अब इसको जाके तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद रहेगा। तो डेरिवेशन डेली जानते हो, डेली दो डेरिवेशन किया करो, जान तो पहली बार में जितना टाइम लगता है ना दूसरी बार में टाइम कम लगता है, तीसरी बार में चार, चौथी बार में हर दिन दो डेरिवेशन करो। और अभी से नहीं करो ना तो आने वाले टाइम में फिजिक्स का इतना डेरिवेशन तुम्हारे पर हो जाएगा, इतना डेरिवेशन हो जाएगा कि फिर तुम्हारा दिमाग चकराएगा, समझे, चकराएगा, फिर तुम फिसलना शुरू करोगे, फिसलोगी, फिर चढ़ोगे, फिर फिसलोगे, फिर चढ़ोगे, फिर है ना। तो ये ऑप्शन नहीं कि तुम जाकर डेरिवेशन को डेली, डेरिवेशन में याद करना बहुत आसान है, प्रैक्टिस करना है, लैंग्वेज तो है नहीं, खाली फिगर है, फिगर देखना है। पहला काम क्या करना डेरिवेशन करने में, ऑलवेज रिमेंबर पहले फिगर ड्रॉ करना, हमेशा लैंग्वेज अपने आप लिखा जाता है, फिगर है ना। कुछ टीचर लोग क्या करते हैं चिट्ठा लिखाते हैं, हिस्ट्री लिखाते हैं, पूरा लैंग्वेज पहले भर देंगे अच्छा से, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे, होता है। लेकिन तुम वो लैंग्वेज मैटर करता है कि तुमने फिगर सही बनाया कि नहीं बनाया और डेरिवेशन सही किया कि नहीं किया, इंपॉर्टेंट ये है। मैंने उसको ये तो क्या बताया एक्सिस पे, इसको एक्सेल लाइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो प्लस चार्ज माइनस चार्ज और उसके सेंटर को मिलाने वाला लाइन होता है ना उसको बोलते हैं एक्सिस, क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस ले सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं। मिटाओ इसको, अब हम लोग बात क्या कर लेते हैं, मिटा दूं बोलो ना। चलो अब बात कर लेते हैं एट इक्वेटोरियल लाइन, कौन लाइन बाबू, एट इक्वेटोरियल, एट नंबर टू लिखो इक्वेटोरियल प्लेन बोलो या लाइन बोलो, एट एक्सेल लाइन हो गया, एट एक्सिस बोल दिया और एट इक्वेटोरियल लाइन। अब देखो क्या होता है इक्वेटोरियल, देखोगे क्या इतना बड़ा नहीं बनेगा जितना बड़ा तुम सोच रहे हो। देखो पुष्पा बाबू यहां देखो, पुष्पा देखो देखो तो बाबू ये है हमारा डायपोल, क्या है बाबू अपना प्यारा डायपोल, हमेशा माइनस क्यू उधर लेना प्लस क्यू उधर लेना, ये सेंटर है ओके। इक्वेटोरियल लाइन किसको बोलते हैं समझते हो, वो लाइन जो इस सेंटर से पास करे, ध्यान से सुनो, सेंटर से और इस सेंटर पे परपेंडिकुलर हो, ऐसे ऐसे अगर लाइन है तो इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे, प्लेन अगर जाएगा जैसे तो, लेकिन परपेंडिकुलर होना चाहिए इस लाइन एक्सिस पे, एक्सिस पे क्या होना चाहिए, चलो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, मैं ऊपर खाली बना दे रहा हूं, बना दिया, सब जो ध्यान होना चाहिए ये ए है ये। अब मैं इस पॉइंट पे पी पे मुझे पोटेंशियल चाहिए, क्या चाहिए, चलो उसमें बाद में कर देख लेना, सब टेंशन मत लो है ना, सब हो जाएगा, सब कवर करवा देंगे, कंटिन्यू रहोगे कवर हो जाएगा। पी पॉइंट, पी पॉइंट में पोटेंशियल निकाला, जल्दी बताओ ये आठ डिस्टेंस पर है, ओ पॉइंट से कितना दूरी पर है, और ये परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, बताओ कितना होगा पोटेंशियल वहां पे, नेट पोटेंशियल बताओ, जीरो, सही बोल दिया लड़का, क्योंकि जितना दूरी ये है जितना दूरी है उतना दूरी ये भी है, क्योंकि अगर दूरी निकालना चाहते क्या निकालोगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दूरी कितना होगा आर स्क्वायर, और ये हाइपोटेनस हो गया ना, कर्ण हो गया ना, तो कर्ण स्क्वायर लंब है या आधार निकाल दो, दोनों की डिस्टेंस सेम है कि नहीं है, तो ये माइनस क्यू वजह से माइनस प्लस माइनस पोटेंशियल, प्लस क्यू वजह से प्लस पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल जीरो, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना। अभी जो मैंने एक्सिस पे लिया था एक डिस्टेंस ज्यादा बढ़ता है एक कम, तो पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ था, किलो क्या, बट यहाँ पे दोनों डिस्टेंस क्या है सेम है, इस चार से भी डिस्टेंस जितना डिस्टेंस में पी पॉइंट है उतना ही डिस्टेंस में इस चार से भी पी पॉइंट है, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, न्यूमेरिकल करवाया था ना कि इक्वल डिस्टेंस पर अगर कोई पोटेंशियल चार्ज होता है तो उसकी वजह से पोटेंशियल नेट जोड़ देते सीधा, सीधे जीरो आंसर निकाल दो,
और जीरो हो जाएगा इस केस में अगर से इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो, है ना, क्या समझा, हो गया आंसर निकल, यानी कि इक्वेटोरियल के हर पॉइंट पे या तो यह पोटेंशियल कितना होगा, यह कितना होगा, यह कितना होगा, ये बात एकदम कंठस्थ हो गया कि देखो पोटेंशियल अगर इक्वेटोरियल लाइन पे निकालोगे डायपोल के वैसे हमेशा करना होगा। एक नई बात सिखाऊंगा अभी, पहले भी करो, करो क्या करोगे बताओ, वी इक्वल टू बोलो, वी इक्वल टू वी प्लस वी माइनस, वी प्लस क्या होगा, प्लस वाला बताओ, के क्यू प्लस क्यू, अब एडिशन बताओ, एडिशन बताओ, के क्यू बाय आर, ये वाला फॉर्मूला, ये आर डिस्टेंस हुआ, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है, के क्यू बाय आर, और बताओ वी माइनस बोलो, वी वाला, के माइनस क्यू बाय डिस्टेंस बोलो आर स्क्वायर प्लस, इसको छेड़छाड़ मत करना, प्लस माइनस माइनस कैंसिल कर दे, क्या कितना आंसर हो गया, इक्वेटोरियल पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल, इक्वेटोरियल के हर पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि हर पॉइंट दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर होता है इसलिए नेट पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि डायपोल में एक प्लस चार्ज आएगा एक माइनस, को जाओ किसी को, अब एक चीज बताओ, अच्छा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस निकलता है, तुम बताओ ये प्लस क्यों चार्ज है, आइए इलेक्ट्रिक फील्ड का रिएक्शन किधर होगा, प्लस से निकलेगा माइनस में जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिएक्शन किधर है, इधर है, एक नई बात सिखा रहा हूं, अभी सिखा दे रहा हूं, फिर आगे भी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की रिएक्शन प्लस से माइनस की ओर होता है, पता है, प्लस से, डायपोल की रिएक्शन हमेशा नेगेटिव टू, पता है ना, डायपोल की बात अलग करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन कौन होता है, जो इस पे परपेंडिकुलर होता है, इक्वेटोरियल के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। इस बात से ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तुम कभी भी चलोगे ना तो नेट पोटेंशियल जीरो होगा, क्या समझा, या ई तुम बोल सकते हो कि नेट पोटेंशियल जीरो, यानी कि बोल सकते हो पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होगा, क्या होगा, समझ रहे हो, क्या होगा, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होगा। अब ये बताओ ये लाइन ना बनाया मैंने, इस लाइन के बदले में मैं ये बना देता, मैं लाइन के बदले में मैं प्लेन बना देता, ये प्लेन ऐसे रख देता, ऐसे देखो यार, ऐसे देखो प्लेन ऐसे बना दिया, प्लेन के हर पॉइंट पे भी पोटेंशियल जीरो होगा, मान लो ये पॉइंट है वो लिया, ये पॉइंट, ये जितना दूरी है उतना दूरी ये, तभी पोटेंशियल ना होगा, तो इस प्लेन के जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्या बोला मैंने, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई प्लेन लोगे ना उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, उसको बोलते हैं, इस सरफेस को बोलते हैं जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या बोलते हैं, जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, ये बोलना जरूरी है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, समझा, अभी तो जीरो है इस केस में, डायपोल के केस में कहीं पर हर जगह सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्या समझाया, क्या बोला, फिर से बोलो, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऐसा पोटेंशियल सरफेस है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, सेम यानी अब सेम बोलो, कांस्टेंट बोलना चाहिए ज्यादा उचित है, और ये पोटेंशियल सरफेस जो होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड इसको जब भी क्रॉस करेगा ना इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को, वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर क्रॉस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर क्रॉस होगा, ये शर्त है, क्यों क्या, जैसे मैंने बोल दिया, जैसे मान लो मैंने बोला सरफेस स्फीयर है, अब मैंने बोला स्फीयर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या कौन सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब इसके हर सरफेस के हर पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, होता भी है, तुम पढ़े हो स्फेरिकल शेल की वजह से कि पोटेंशियल हर सरफेस पे हर जगह सेम होता है, ठीक है ना, अब जब सेम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो प्लस चार्ज है यार मैंने रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा इसके हमेशा कैसे निकलेगा, इसके हमेशा परपेंडिकुलर, ऑलरेडी पढ़ चुके इलेक्ट्रिक फील्ड का तो प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलता है वो सरफेस के हमेशा, समझा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की भी हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक हो गया, तो इसको पहले नोट करो, इसकी कोई जरूरत नहीं अभी, सिर्फ इतना नोट करो, हो गया खत्म, ये हाँ एक और छोटा सा टॉपिक है इसका, जनरल पॉइंट आता हूं, Thank you.
Thank you.
मैं कर रही हूँ
वो तो है एग्जाम में लिखने में चाहिए पर सिर्फ चार ही लोगों को मिले अगर तुमने ले लिया तो एक बार नाम ही तो जैसे हो गए लेकिन चार लोगों को मिला नहीं है बस मुझे नहीं मिला मुझे चार लोगों की ओके देखो आ गए चलो बिठा दो इसको क्या हाँ अब लिखो एट एनी पॉइंट या जनरल पॉइंट जो भी बोल दो थर्ड नंबर ये भी इम्पोर्टेंट है एट एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट फटाक से लिखो नोट कर ले बाबू नोट कर लियो ये बेसिक था छोड़ गया तो हो जाएगा पूरा हो जाएगा चिंता मत करो देखो एट एनी पॉइंट कैसे बनाओगे सब सुनो नहीं बोलो ज्यादा अब ठीक है देखो ये एक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू ठीक है जी सेंटर से एक आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी ठीक है ये एंगल थीटा बना रहा है कितना बना रहा है थीटा ठीक है क्लियर अब थीटा एंगल में किसी पॉइंट पर भी है जनरल केस ही है कभी कभी बोल देगा फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट बस इतना बोल देगा ड्यू टू अ पॉइंट बोल दिया समझना जनरल पॉइंट की बात हो रहा है तो तीनों केस कर दो या तो इस केस को करो और दोनों केस में थीटा का वैल्यू पुट करके निकालेंगे अभी निकाल के दिखाते हैं ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है पूछा हुआ है ओके चलो ध्यान दे देखो थीटा क्या होता है थीटा कौन बताएगा थीटा क्या है थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट ये डायपोल मोमेंट है ये डायपोल मोमेंट कहलाता है ठीक है जो हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है डायपोल मोमेंट ओके और ये आर है पोजिशन वेक्टर कहलाता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो पोजिशन वेक्टर पी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है ठीक है जी अब दोनों के बीच में पी और आर के बीच का ये एंगल है एंगल क्या होता है थीटा क्या होता है थीटा क्या खुद से बोलो थीटा क्या यस एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर पी कोई दिक्कत किसी को आर पोजिशन वेक्टर है अब मुझे क्या करना है इसका पोटेंशियल निकाला उस पर थीटा के टर्म में आंसर आएगा क्या करो इस डायपोल का दो कंपोनेंट कर दो क्या कंपोनेंट कर दो ये एक डायपोल का एक डायपोल का कंपोनेंट थीटा के डायरेक्शन में होगा आई किस थीटा के परपेंडिकुलर एक चीज बताओ वेक्टर पढ़ो ना तुम लोग ऐसे तुमसे मैं पूछूं तुमसे कुछ पूछो एक वेक्टर ऐसे है इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से गुजरेगा सीधे यहां से गुजरेगा ये तो पता है ना वेक्टर का ये रिजल्टेंट ऐसे गुजरेगा यानी कि इस वेक्टर का क्या कंपोनेंट तोड़ोगे एक ऐसे तो तोड़ो इसको पी वाले को दो तोड़ो एक ऐसे एक इसके परपेंडिकुलर ठीक है तो तोड़ते हैं चलो ब्लू कलर से दिखा रहा है एकदम सेम किया था मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला में भी तोड़ो रेड से तोड़ा चलो रेड से तोड़ते हैं तोड़ो या टुई बोलो टुई या आर पर ले दो ठीक है ये तुम्हारा हो गया एक ये इसको पीछे बढ़ा यहां तक टूटा अरे ये इसका ये हो गया मुंडी ये हो गया इसका पैर इधर स्टार्ट कर दिया ना ऐसे हो गया फिर हो गया एक तो ऐसे तोड़ दिया इसको बोलेंगे पी कॉस थीटा
याद ना, थीटा वाला रहता, थीटा टचिंग रहता है तो पी कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला पी साइन थीटा, पता है ना? क्या पता है क्या पुष्पा? बर्बाद हो जाएंगे हम ऐसे पढ़ोगे तो। ये मान लो आर है, रिजल्टेंट है, क्या कहेंगे तुम? बोले आर ना मान लो, ए मान लो हटा, तो इसको बोलेंगे ए कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर क्या लेंगे? अब पता चल रहा है, तो थीटा टचिंग में कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, जो थीटा को टच कर रहा है, और थीटा के सामने वाले को साइन से करते हैं, तो थीटा को टच कर रहा है ये वाला, तो पी कॉस थीटा। अब इसके जस्ट लेको परपेंडिकुलर बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, ये ना, चलो इसको बोलोगे पी साइन, कोई दिक्कत है? कोई डाउट है ना? अब खत्म करो। अब बताओ ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट इस लाइन में, इस लाइन पे है, माने जो इस डायपोल को इस पी को पी का गया, वो बचा ए, बच्चा पी कॉस थीटा, एक बच्चा पी साइन थीटा, यानी कैसे डायपोल में तोड़ दिया तुमने? एक डायपोल के लिए पी पॉइंट इस डायपोल के एक्सिस पर है, एक डायपोल के लिए पी कॉस थीटा डायपोल है ना, इस डायपोल के लिए ये जो पी पॉइंट है वो उसके एक्सिस पर है, इसी की लाइन पर है ना, और पी साइन थीटा के लिए पी पॉइंट इसके परपेंडिकुलर किस में, ये परपेंडिकुलर है ना, तो इसके ये इक्वेटोरियल पर है। या क्या हुआ है, निकलो। ये डायपोल है, इसी डायपोल के लाइन पर है, इकोन डायपोल, इकोन डायपोल ये वाला, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा के इसी लाइन पर है ना वो, तो अभी जो पहला वाला किसके थे एक्सेल वाला, उसी के लाइन पर है ना, तो ये एक्सिस वाला, क्लियर क्या? और ये देखो एक डायपोल ऐसे है, इसके लिए वो पी पॉइंट क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, अरे परपेंडिकुलर है कि नहीं है, इक्वेटोरियल पर है, किस पर है, तो पी पॉइंट पी कॉस थीटा के लिए एक्सिस पर है, पी पॉइंट पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल पर है, परपेंडिकुलर लाइन पर है, समझे? एक्सियल का और इक्वेटोरियल का वैल्यू पढ़ लिया, पढ़ लिया ना, पढ़ लिया, कब पढ़े अभी बता? भी एक्सियल का पढ़े, के पी बाय आर स्क्वायर, ये ना पढ़े थे, और भी इक्वेटोरियल जीरो, तो इसका तो कोई पोटेंशियल होगा नहीं, ये वाले का इसके ऊपर, और इसका होगा जो होगा वही नेट बन जाएगा, हा हा हा, हो गया, बन गया सवाल, तो फाइनल लेगा, करेक्ट हो गया, पहले 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 रुको, पहले रुको, हंसने वाली बात नहीं है। आई डायपोल मान लिया मैंने, पी जो है शॉर्ट डायपोल पहले से मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं? शॉर्ट डायपोल, डायपोल का माने ना उसका प्लस माइनस क्यू, और डिस्टेंस हो गया टू ए, जैसे क्या हो गया ना, बोलो हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेट डायपोल बोलो, नेट पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू भी प्लस, बोलो ना भी प्लस और भी माइनस, भी प्लस के लिए सुनो, भी प्लस के लिए दो कर लेते, छोड़ ना, एक करते भी एक्सियल, एक्सियल पोटेंशियल, एक कर लेते इक्वेटोरियल पोटेंशियल, इक्वेटोरियल ऐसे खाली इक्वेटोरियल लिखो, एक्सियल का फॉर्मूला लो के पी बाय आर स्क्वायर, और एक स्क्वायर क्या लिखेंगे, जीरो, इक्वेटोरियल का जीरो होता है, इसके लिए इक्वेटोरियल है, आंसर क्या हो गया, जो कि सरासर क्या है, या हा हा हा, यहां पर पी के बदले में क्या है, पी कॉस थीटा है, यही गलती की हम लोग, हम जान भी गलती की है ताकि तुम लोग ये गलती ना करो, समझे कि नहीं, पिछली बार भी जान बुझे गलती किए थे, इसलिए देखो यार ये अगर पी होता है, देखो ये बना था ऐसे करके, इसका तो पी था, यहां पर निकल था वैल्यू, ये के पी बाय आर स्क्वायर, तो ये यही है, लेकिन ये पी नहीं है, पी कॉस थीटा है, तो यहाँ पे पी के बदले में क्या रखना पड़ेगा, हाँ आप बुझे, बुझे कि नहीं बुझे, के पी कॉस थीटा बाय आर, तो डिस्टेंस तो आर ही है महाराज, आर को देखा था आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल का चाहे वो पी साइन थीटा हो या कुछ हो, एंगल सिंपल बात है, इक्वेटोरियल लाइन पड़ा, इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन पड़ा, इसे परपेंडिकुलर है तो जीरो होगा, कुछ सोचना ही नहीं है, आंसर आ गया भी इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ये शॉर्ट डायपोल के लिए फॉर्मूला डाल लिया, पहले लिख दिया एट एनी पॉइंट, बुझिए जस्ट, ओके सर हो गया, तो अब एक चीज सुनो, थीटा 90 डिग्री माने अगर तुम बोले ना इक्वेटोरियल निकालो तो तीनों कैसे करके निकालना पड़ेगा, एग्जाम में कई बार एक्सेल का पूछा है, कभी इक्वेटोरियल का पूछा है, या तुम पूछ रहे तीनों का निकालो, खाली एक्सेल का थोड़ा बनाना बना है, बाकी सब तीनों कर लोगे, और भी किताब में इसके दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन ज्यादा लेंदी में मत जाओ, सिंपल तरीका, एग्जाम में पूछेगा पांच नंबर में तीनों कर देना, कुछ नहीं है, ठीक है, खाली बोलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल, सब छुपाना पड़ेगा, और सब कितना बड़ा है,
छोटा सा इतना समय दो एक्सियल और इक्वेटोरियल और जनरल पॉइंट बहुत इजी है, कोई टाइम नहीं खाएगा, कैलकुलेशन खाली करना है, क्या टाइम खाएगा, पांच बड़ा क्वेश्चन तुम बिना टाइम के ही बना लोगे, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन भी तो है यार, क्या पांडे जी कमाल करती हो। अब ये बताओ थीटा इसमें केस करते हैं, अब बताओ सुनो सुनो, अगर ये पी पॉइंट यहाँ इस लाइन पे आ जाए, किस लाइन पे आ जाए, ऐसे सुना तो थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, थीटा कॉस जीरो का कितना होता है, अरे यार ये बताओ ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा तो ये एक्सेल पे आ जाएगा, थीटा जीरो कॉस जीरो का कितना होता है, वन, भाई फॉर्मूला बन गया, चलो समझे नहीं, फॉर्मूला सही नहीं है, इससे पता चल रहा है, अच्छा ये इक्वेटोरियल हो जाता, इसके डबल ऐसे हो जाता तो थीटा कितना हो जाता, 90, कॉस 90 का कितना होता है, जीरो, जीरो पुष्टि हो गया, यानी इस ये फॉर्मूला सही मायने में सही है, हर जगह लागू हो रहा है, उतारो आप डांस करो इसको करवाओ, वाह वाह सर आपके बगैर बोर्ड सुना सुना लग रहा है, जा मुसीबत रो रहा था, ओ अच्छा क्या करे यार, कभी कभी सिस्टम खराब हो जाता है, समझ रहे हो, नहीं आज कुछ नया चीज खा लिया, मम्मी जानते नहीं हो, घर घर मम्मी को सबसे ज्यादा खिलवाने का शौक रहता है कि बेटा खूब खाए खूब खाए, है ना, नया चीज ला कर दे दिया, वो खा लिए कुछ लिए पूरा मुंह में, अब वो निकल गया, तबीयत हल्का खराब हो रहा है, मैंने कहा हल्का सा वीक फील कर रहा है, कमजोर नहीं है, कोई नई चीज हम खाते नहीं है, मैंने कहा तुम लोग सब कुछ खा लेते हो, हम एक्स्ट्रा कोई चीज खाते नहीं, कमजोर वाली बात नहीं है, हम पर्टिकुलरली मेरा खाना एकदम एक जैसा है, हर दिन रोटी सब्जी रोटी सब्जी रोटी सब्जी फिक्स है, अब वो भी एक ही तरह का सब्जी, अगर तुम डिफरेंट टाइप का मुझे तेल वाला ज्यादा सामान दोगे ना तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, आलू खाते हैं, अच्छी आदत है, मेरा आप पकवान ही खाते हैं, लेकिन महंगा से कोई मतलब नहीं है, इससे ही नहीं पता चलता कि डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, मतलब कि वो आदत पड़ा होता है ना कोई चीज का, ये चीज होता है, चलो मिस्टर मुसीम हैव एनी प्रॉब्लम, मिस्टर मुसीम तुम ही तो हो ए वो कि बड़ी बात करते हो, फलक भाग गई है, फलक अब फलक देखो ना अपना शादी में घूम घूम के आ गई है फिर घर पे रुक गया है, घर से ही पढ़ाई कर रही है, कितनी फ्रेंड्स है, घर से स्टडी कर रही है, डेली रिवीजन क्या करो, कोई डाउट हुआ करो तो हुआ करे तो अपना जाके स्टोर जाके देख लिया करो, ठीक है ना, अच्छा उसका मैं व्यूज लिमिट हटवा रहा हूँ, कल तक मैं हट जाएगा व्यूज लिमिट, समझे, व्यूज लिमिट हटवा रहा हूँ, आठ लिमिट खाली रहेगा, घंटा लिमिट रहेगा, उसको भी बढ़ा दिया हूँ घंटा लिमिट को, पांच घंटा कर दिया, ठीक है, और उसको भी तुम कहोगे बाद में बढ़ गया, तुम किसी को मान लो घट गया पांच घंटा से भी कम गया उसको भी बढ़वा देंगे, समझे, सही पुष्पा करेंगे रिवीजन, डाउनलोड किए हो वीडियो की हो दो कर लियो, देखिए डाउनलोड करने वाले चलता है ना, हाँ चलो क्या हुआ, नेट अपडेट भी होने लगा, क्या बात है पुष्पा को दोनों तरफ से मिलता है तो दोनों तरफ से मिलता है, नहीं तो कोई तरफ से नहीं मिलता है, चलो कोई बात नहीं है पुष्पा, कोई बात नहीं है, आइए अर्चु ससुराल से नहीं आई है क्या, सॉरी ससुराल खड़े हैं, जी जी कैसे है, सदमा उसका खत्म नहीं हुआ रहा अभी तक, अर्चु का सदमा खत्म नहीं हुआ, अरे चट्टा को तो पूरा आइडिया होगा, उसके एकदम खास दोस्त है अर्चु, बोले सदमा भी चली गई है, बोले खूब खूब मतलब की गम वाला गाना सब गा रही है, गम वाला गाना सब लगा रही है स्टेटस पे, हाँ नहीं उसको पहले भी स्टार्टिंग हम देखते थे उसका कभी कभी स्टेटस हम भी देख लेते थे, तो उसको बोलते ना थे कि तुम बड़ा बेकार बेकार स्टेटस लगाती हो, खाली गमगीन वाला लगाती हो, है ना, तो उसका देखे उसको बाद में देखे कि स्टेटस तो अच्छा सा लगा, मम्मी वाला
पप्पा वाला सब सर वाला सब लगाने लगे चाचा, तब गए आप इसका बोला मूड ठीक हुआ है। अब बाद में फिर लगा लोग बोला कि फिर से इसको गम गाना लगा दिए वाला, मैंने ये वाला स्टेटस अब ये कहां से म्यूजिक से उठा के लाइए नोट करिए सारे बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चे, मुसीब बाबू मुसीब अफसल आगे बढ़ू क्या, अभी टाइम आता है अंदर टाइम है, आज बहुत कम पढ़ाई हो पाया, मेरा सिस्टम खराब हो गया। चलिए आगे बात करें, आगे बढ़े, चलो ये तो हो गया, ज्यादा टेंशन मत लो। ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा पढ़ना पड़ेगा, पहला चैप्टर अच्छा से, यही चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आगे का जितना भी चैप्टर आएगा सब में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट कंप्लीट आएगा। तो इसलिए सबको हम बोलते रहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर को अगर एक बार और रिविजन करने का मौका मिले तो एक बार और करो, एक बार को मतलब नहीं दो बार कर लो लेकिन करो, समझे। और रिविजन करने के लिए तुम्हारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कॉपी, और एक फिर तुम्हारे पास तुम लोग परचेज भी किए हुए तो तुम स्टोर पे जाओगे देखोगे, क्योंकि तुमको यही लेक्चर ना मिलेगा जी जो तुम पढ़े हो क्लास में, तो फायदा हो जाता है, ये डबल डबल फायदा। तो डेली का डेली कम से कम एक टॉपिक को रिवीजन करते रहोगे तो तुमको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा, ठीक है। और ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जानते हो, दूसरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग यानी पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग हो तो फिर आगे मैग्नेटिज्म चैप्टर सब आएगा, कौन चैप्टर सब आएगा, और उसका जितना टाइम इसमें तुम दिया ना पहला चैप्टर उतना टाइम देना नहीं पड़ेगा, तो सुर सुर खत्म होगा। इसलिए ये फिजिक्स है, हाँ केमिस्ट्री में देखो जिसको पहला चैप्टर नहीं समझाया दूसरा चैप्टर समझेगा, जिसको दूसरा चैप्टर नहीं समझाया तीसरा चैप्टर समझेगा, चौथा समझ नहीं आया पांचवा समझेगा, मैंने कोई लिंक नहीं फिजिक्स का एक दूसरे ज्यादा ज्यादा लिंक नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है इतना, लेकिन फिजिक्स में कंप्लीट लिंक है। डेली कम से कम 5 डेरिवेशन को 2-3 डेरिवेशन को पैड पे कॉपी पे रफ कॉपी पे धक एकदम प्रैक्टिस करो, जरा दो सिर्फ तो मैथ तो करना है, कहीं पे कोई डाउट हो जरा भी डाउट हो सर यहाँ प्लस कैसे है आकर के पूछो सर से, या ऐप खोल, ऐप खोल के देख लो सबसे अच्छा हो, ऐप ऐप पे ऐप सबसे अच्छा ऑप्शन है ना। ये बहुत सारे लोग ना ऑनलाइन पढ़ेगी मम्मी से बाप रे मेरी बेटी तो ऑनलाइन पढ़ती है, कल बोले थे ना मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है। अरे कुछ जगहों पे बच्चे भटक जाते हैं लेकिन एप्लीकेशन में भटने का कोई सवाल है ही नहीं, एप्लीकेशन में खाली पढ़ाई हुआ तो बात होती हो गया जी, है जी 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 तुम अपना ऑनलाइन पढ़ी तो काम समझती हो अकाउंट परचेज की क्या है किस वक्त अच्छा था कि तुम्हारा फ्री वाला उस वक्त हो रहा था लाइव है ना, कर लो परचेज कर लो बहुत फायदा बन रहा है, उतना ही लगेगा तुमको भी तुम्हारे वो, हम अपना एक कोड लगा देंगे अपने स्टूडेंट के लिए कोड लगाएंगे सबको 1000 का डिस्काउंट रहेगा, वैसे तो 3000 हो गया तुमको 1000 ही लगेगा अपने स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पड़ेगा, और जो बाहर के बच्चे होंगे तुम्हारी वजह से उसको 1000 का डिस्काउंट मिलेगा, जैसे 3000 का फी है ना उसमें चार्ज उसका पूरे कोर्स का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरे 12th का पूरे 12th का, तो तुम्हारे तुम्हारे वजह से कोई दूसरा बच्चा चलेगा ना जो यहाँ नहीं पढ़ रहा है बाहर चलेगा यूपी का दिल्ली का मुंबई का बिहार के दरभंगा के बाहर का या दरभंगा कहीं का भी बाहर, तो उसको सिर्फ 2000 लगेगा, 1000 तुम्हारी वजह से तुम्हारे रेफरेंस पे छूट मिलेगा, और जो यहाँ पड़ेगा उसको केवल 1000 लगेगा 2000 का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज तो करवा लो क्योंकि कभी ना कभी रिविजन के लिए वो यूज करना ही पड़ेगा, कितना कंसेप्ट याद रखेगा बच्चा, ठीक है। तो कॉपी पे देखे कभी छोटी बातें जाके स्टोर पे चले गए क्या मिस्टर आकाश, ठीक है ना। ट्वेल्थ का तो मैक्सिमम बच्चा लिए हुआ है, सिर्फ 2-3 बच्चा ले लिया बाकी सब ले लिया मैक्सिमम, क्या हुआ बच्चा 12 में 15 या 13-14 बच्चा करीब कर लिया हुआ टोटल, नहीं कोर्स जो परचेस किया है कोर्स परचेस की बात मैं कर रहा हूँ, हाँ भाई 13-14 बच्चा होगा, कुछ बड़ा भी है इस बीच में भी एक दूसरा बड़ा सकी बाबा भी तो ले लिया है, लिए तुम और सकी बाबा भी लिए, बाकी तुम से तो लिए एक लिए दो लिए तीन लिए चार लड़की में तो कौन लिए फलक भी ले लिया राजा भी ले लिया ये भी ले लिया ये भी ले लिया वो भी ले लिया सब तो ले लिया, तुम बची हुई हो ढोल
आई वही ढोल बची हुई है, आई वो बची हुई है, आई वो नासरी भी ली हुई है, सब तो ली हुई है मैक्स। अफजल नवाज ये लड़का सब तो लड़का तो सब लिए हुआ है, मैक्सिम ले लिया। रिविजन के लिए सबसे यूजफुल है, रिविजन के लिए बहुत अच्छा है। और किसी को दिक्कत हो रहा पेमेंट करने में तो यहाँ से पेमेंट का हम ऑप्शन कर दिया, पेमेंट खत्म करवा दिया। मैंने कि जिसको पेमेंट का चक्कर था ना, प्रॉब्लम था ना, हमने किसी से बात कर लिया, उसका मैट यूज कर लेता है, पेमेंट वहीं से करवा देता है। समझे आपको? ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, वो सिस्टम नहीं करना डिस्कस। चलो मिटाओ उसको, चलो टॉपिक लिखो। रिविजन के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नया टॉपिक, अभी बहुत टाइम है, एक नया टॉपिक पढ़ लेते हैं छोटा सा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे, क्या बोल देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या इसका सिंपली क्या नाम हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, हम खाली यही बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। मोबाइल यूज कर रहा तुम? अच्छा मोबाइल हम अभी तक लेवो नहीं किया, रखा हुआ जूठो का। देखो जूठो का मोबाइल रखा हुआ है, कितना आकाश ही है, इतना आसान वो भी याद नहीं रहता, सोचो। इसको कहते हैं दिमाग कितना बड़ा तेज है। आफिया बाबू, चलो कोई बात नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है। क्या क्या हमको याद है? हाँ बहुत अच्छा बात बोली है, जबरदस्त बात बोली है। चलो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है साहब, सब अच्छा सुनोगे क्या? प्लस क्यू चार्ज मेरे पास एक है, सुनो अच्छा से। कहाँ गई पुष्पा? हेलो पुष्पा, ध्यान दो। इन्फिनिटी में कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, पोटेंशियल का मतलब ये ना होता है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, क्या ना मैंने पॉइंट कोई कहीं भी बीच से दे दो, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ए है यहाँ पे क्या है बी है, मैं तुमको बोलू कि ए पर पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, इसका बोलते पोटेंशियल बी है, क्या बोल देता हूँ? और इस पे पोटेंशियल बोल देता हूँ बी बी, ठीक है जी, क्लियर हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल। पोटेंशियल एट ए, इसका मीनिंग क्या हुआ? इस पे पोटेंशियल भी है, इसका मीनिंग हुआ कि क्यू नॉट चार्ज जो टेस्ट चार्ज है, तो उसको बोलोगे यूनिट कूलम चार्ज हो, कितना? एक कूलम ले लो, एक कूलम अच्छा रहेगा, एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को पोटेंशियल बोलेंगे। कितना वर्क डन करना पड़ा? वी ए, क्या नाम दे दिया मैंने? वी है, जितना भी 10 वोल्ट 20 वोल्ट 40 वोल्ट है ना। अब तुम बताओ इसको, मैं एक फॉर एग्जांपल में दे दूं इसका 10 वोल्ट, क्या दे दूं? 10 वोल्ट। अब बताओ 1 कूलम चार्ज को उठा करके बी तक लाने में कितना वोल्ट काम करना पड़ेगा? 10 से ज्यादा कि 10 से कम, ये बताओ? 10 से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो ज्यादा वर्क डन होगा। अब वैसे भी पोटेंशियल जो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इससे ये कम डिस्टेंस पर है, इससे ये तो ज्यादा डिस्टेंस पोटेंशियल कम होता है, और कम डिस्टेंस पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो ये मान लो 15 वोल्ट है, क्या बोलता है? 15 वोल्ट। एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, अच्छा समझो। अब बताओ दोनों पॉइंट के इस पॉइंट का बोलोगे इसको, इसको बोलोगे हाई पोटेंशियल, इसको बोलोगे लो पोटेंशियल, माने ये जो बी पॉइंट है इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो बोलेंगे ये हाई पोटेंशियल पर है। आइए बताओ दोनों में पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बोलो 5 का डिफरेंस है। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 15 माइनस 10 कितना आया? व्हाट इज दिस 5 वोल्ट? पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कूद जाएंगे तो मर जाओगे। आप
तो उसका बॉडी खोखला है, हॉलो है, हॉलो। क्या समझ आया आपको? दो पॉइंट के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? छोड़ो इन्फिनिटी का चक्कर छोड़ दो, इतना याद रखो। प्लस क्यू से कुछ दूरी पर है, है। प्लस क्यू से ए कुछ दूरी पर है, ज्यादा दूरी पे ए है तो इसलिए पोटेंशियल कम है, कम दूरी पे बी है इसलिए पोटेंशियल ज्यादा है। तो जितना करीब रहेगा उससे ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो 15 वोल्ट 10 वोल्ट मैंने एग्जांपल दिया तुमको, ओके। अब बताओ डिफरेंस क्या है दोनों में? तो क्या बोलो, 15 वोल्ट है 10 वोल्ट, 15 में 10 घटा दो 5 वोल्ट, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलोगे? अब तुमको मैं एक कंसेप्ट समझाता हूँ। अब तुम्हें इस पोटेंशियल डिफरेंस का कई तरीका डेफिनेशन है, तुम्हें हिंदी में पढ़ते थे इसको विभवांतर, याद आया 10th क्लास में विभवांतर पढ़े थे? विभवांतर, विभव तो पोटेंशियल को बोलेंगे, अब विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं। चार्ज फ्लो तभी करता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, ठीक है ना? पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं हुआ, यानी कि पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम हो गया, तो चार्ज फ्लो करेगा ही। बात हो रहा हो? तो उसको तो बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करेंगे, पहले समझाया बात क्या मैं बोल रहा हूँ। इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। अब इसका मीनिंग क्या है सर, पहले बताओ। एक कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी में रखा, अब ये बताओ इस पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। व्हाट डू मीन बाय 10 वोल्ट? 10 वोल्ट मतलब 10 जूल पर कूलम्ब। एक कूलम्ब को इन्फिनिटी से उठाकर पॉइंट ए तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 10 जूल करना पड़ेगा। एक कूलम्ब तो बोल दिया ना, पर कूलम्ब क्या बोलेंगे? कूलम्ब बोल दिया। एक कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा? 10 जूल। यही तो पोटेंशियल का अर्थ है। उसके बाद आप 15 वोल्ट बी पर, इसको क्या बोलोगे? 15 जूल पर कूलम्ब। एक कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक ले जाने में 15 जूल काम करना पड़ेगा। अब तुमसे मैं पूछो, बताओ ए से बी तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा? बताओ 5 जूल एक्स्ट्रा। 5 जूल ना एक्स्ट्रा करना पड़ा? अरे 5 जूल ना एक्स्ट्रा करना पड़ा, तो ये 5 जूल भैया है, 5 वोल्ट, 5 जूल पर वोल्ट। कुछ समझ आया? तो बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट कूलम चार्ज को उठाकर ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में, है ना? क्या बोला मैंने? इन्फिनिटी से बोलने की जरूरत नहीं बोलेगी यहाँ पे। अरे पोटेंशियल के डेफिनेशन में तुमको बोलना पड़ेगा कि इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करना पड़ेगा? बोलेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में एक कूलम्ब चार्ज को जितना काम करना पड़ेगा उसी को बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या समझा? ये डेफिनेशन भी 10th क्लास में पढ़ते थे कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु में विभव कहते हैं। अब विभवांतर पढ़ते थे कि इकाई विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई कूलम्ब आवेश को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को कहते हैं विभवांतर। परिभाषा था ना ये, था ना? लेकिन समझे नहीं थे वहां, ये चीज यहां समझ में आया, ओके। मैं क्या बोला समझ रहा है? क्लियर होगा अच्छा से? तो क्या बोलोगे? दो पॉइंट के पोटेंशियल में जो डिफरेंस है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। एक तरीका तो सिंपल डेफिनेशन है, दो पॉइंट के पोटेंशियल में जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर होगा? द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स, ओके, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल डेफिनेशन है। दूसरा बोलोगे सर कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कूलम्ब चार्ज को उठाकर ले जाने में जितना काम करना पड़ता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, है ना? लेकिन जब पोटेंशियल का परिभाषा बोलते हैं तो इन्फिनिटी से लाते हैं। फर्क दोनों समझ आ गया? अरे फर्क समझ आया? यही परिभाषा है, यही परिभाषा, समझाया? लेकिन जब जब एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, कौन वर्क करेगा? एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा तो स्लोली ले जाएंगे, स्लो मोशन में, याद आया? याद आया? और जब इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा तो उसको थोड़ा तो कोई स्लो की जरूरत नहीं है, सीधे ले जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो तरीके से बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे? कहां से कहां ले जा रहे बताओ? ए से भी ले जा रहे हैं, अभी एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां ले जा रहे हैं? मैं लिख रहा हूँ वी बी माइनस बी है, इसी बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको लिखा जाता है डेल्टा बी। क्या लिखा जाता है? व्हाट इज डेल्टा बी? बोलो बेटा। यस, पोटेंशियल का डेल्टा कभी भी लगता है, डेल्टा इज यूज्ड फॉर चेंज, 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 याद है ना? डेल्टा मतलब चेंज, ठीक है? हाँ, या चेंज मतलब डिफरेंस, सही बात है, ठीक है? अब वी बी माइनस बी लिखा मैंने पोटेंशियल डिफरेंस, B में से एक घटाया, बड़ा में छोटा घटा, कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया। इसका मीनिंग क्या है?
यूनिट कूलम चार्ज को, तो यूनिट कूलम को चार्ज कभी भी एक कूलम चार्ज होता है, टोटल चार्ज से भाग करना पड़ेगा। तो मान लो यहां से मैंने क्यू नॉट उठाया और ये बी पर रखा, बी पर रखने में एक कूलम चार्ज के लिए वर्क करना पड़ेगा, तो क्यू नॉट से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो बोलो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, याद है, फ्रॉम ए टू बी ओके स्लोली। What do you mean by slowly? Slowly मतलब external agent है ना? Slowly delta k zero, kinetic energy में change नहीं होना चाहिए, ये बात पता है। Slowly, slowly, there is no change in kinetic energy, है ना? हाँ? क्यों नोट करें? आप करेंगे ना? जगह क्यों छोड़े? आप क्यों नोट से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। इसको जो ले जाओगे, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना फोर्स, मतलब क्यों नोट चार्ज आया प्लस चार्ज, क्यों नोट टेस्ट चार्ज प्लस है, ये तो फोर्स ना लगाएगा रिपेल, हम इसको उठा कहाँ ले यार, ऐसे एक्सटर्नल वर्क नहीं करेगा, एक्सटर्नल वर्क तो लगना ही ना यार। सारी बात वहां क्लियर कर दिया जहां पोटेंशियल डेफिनेशन पड़े हो, ये हो गया एक डेफिनेशन, ये दूसरा डेफिनेशन बोलो, चूंकि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन नेगेटिव पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा है और फोर्स, तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ओके फ्रॉम बी टू ए, ए टू बी, कोई काइनेटिक एनर्जी का चेंज दिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्यू नॉट से क्या कर देंगे, है ना, इसी को उल्टा कर दो, ये समझ में नहीं आएगा तुमको, कंफर्म है क्योंकि ये चीज पढ़ा चुके हैं पहले। ओके चलो ओके क्या लिखेंगे बताओ, बी टू ए लिख देंगे और नीचे क्या लिख देंगे, क्यों हो गया उल्टा कर दिया ना, इलेक्ट्रिक फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर अगर होगा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, अब हमें ऐसे याद आएगा बी वी माइनस बी है, अगर तुमको बी वी माइनस बी निकालना है, सुनो मैं अभी ये सबसे ज्यादा मैं ये इस्तेमाल करूंगा, मेरा काम यही है, बी बी माइनस बी निकालना है तो बी से एक की ओर चलेंगे, कहां चलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन निकाल देंगे, बात खत्म, ठीक है ना। अगर मुझे बी ए माइनस बी भी निकालना है, बी माइनस बी भी निकालना है, क्या बोलेंगे बताओ, क्या करेंगे, ए से बी चलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन निकाल देंगे, क्यों हो गया, आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो, इसको रहने दो अभी, चिंता मत करो, ये सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला कांसेप्ट पूरा आ रखना आ रहा है, बट वहां पे लिए थे इन्फिनिटी से, याद है ना, इन्फिनिटी से बी ए तक लिए थे, ए तक या पी तक जो नाम दिए थे, ओके, और वही बात यहाँ पे ए से भी दो पॉइंट के बीच में ले रहा है, तो जो पोटेंशियल का डेफिनेशन उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया, थोड़ा सा, क्यों हो गया, अब मैं क्या करूं राम, मुझे बुद्धि मिल गई, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन क्या होगा, बुद्धा को बुद्धि बोल दी है, था बुद्धि ने बोलेंगे जी, तो क्या हुआ, फॉर्मूला था वर्क डन का, फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चलो फोर इलेक्ट्रिक फोर्स डिस्प्लेसमेंट का लिखा डी आर या डी एक्स लिखा था, एक्स है, डी आर ही लिखना अच्छा लगता है, कोई दिक्कत किसी को, चलो बाय क्यू नॉट फोर्स का फॉर्मूला वाला होता है E इक्वल टू एफ बाई क्यू, एफ इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू ये, चलो रखो कई बार कर चुके हैं, बाई क्यू नॉट कहां से कहां गया, लिमिट बताओ, लिमिट कहां से कहां गया, पॉइंट कहां से कहां गया, ए से बी, फिर बी से ए, ई डॉट डी आर, दिख रहा है क्या उसमें, चलो काट दो, डबल पैक कर दो इसको, इसको डबल पैक कर, नहीं दिख रहा है, चला नहीं दिख रहा तो थोड़ा छोटा छोटा लिख देंगे, क्या लिख देंगे बाबू, छोटा छोटा, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बात होती रहती है, इसको बाद में कर लेंगे, क्या बोला मैंने, छोड़ रहने दो, क्या क्या था मैंने बोलो, डेल्टा भी या भी बी माइनस बी ए, भी बी माइनस बी ए का बोला मैंने, बताओ ओके इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला बोलो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो सर, लेकिन हम माइनस की साइड से स्क्वायर लॉ फॉर्मूला में फंड करवा देते हैं, पोटेंशियल को डिफाइन कर दिया के एक बार डिवीजन करो, यार वही तो है, ए से बी जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क निकाल रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है, राइट क्यू प्लस है, नहीं है तो उसको रिपेल ना करेगा, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, क्यू चार्ज उठा के दला रहा है, समझा, दो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन नेगेटिव है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पॉजिटिव है, बुझ गया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन एक दूसरे का अपोजिट हुआ ना, चलो जस्ट उल्टा कर दिया मैंने,
ए से बी को बी से ए कर दिया तो माइनस प्लस हो गया, क्योंकि आप जब चार्ज को तुम इधर से इधर ले जाओगे, इधर ले जाओगे, क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी उधर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी उधर है। समझा? अब नहीं समझा? हो गया, कुछ नहीं है उसमें। क्यू नॉट से बात करो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? क्यू नॉट ए डॉट डी आर, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया नहीं किया? क्यू नॉट हो गया, मतलब क्या होगा फॉर्मूला? कहां से कहां बताओ? बी से ना, बी से ए डॉट डी आर, इसको बताओ, इसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, इसको क्या बोलते हैं? और सुना था को बता सकते हैं इसको क्या बोलते हैं? बोलो, सही बोल रहे हो। का इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन इंटीग्रेशन को याद है? किसी को बिना देखे बताओ, को बता सकता है कौन इंटीग्रल बोलते हैं इसको? हाँ, कौन इंटीग्रल? लाइन इंटीग्रल। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करते सरफेस इंटीग्रल प्लान याद ना है? सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स होता है। और ये कोई डाउट किसी को? अरे बी से ए ले गए, इनिशियल पॉइंट बी है, फाइनल पॉइंट ए, इसको लिखो फ्रैक्शनली, फ्रैक्शनली। अच्छा इसका क्या, ये बताओ, एक चीज बताओ, ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस है ना, सिंपल डेफिनेशन बोलो, जो डेफिनेशन लिखा था इसका, क्या लिखा था? ये बात में लिखना। अच्छा पहले क्या करो, तुम लोग क्या करो, ये एग्जाम्पल पहले करके लिखो ताकि ज्यादा क्लियर हो। एग्जाम्पल लिखो, पहले एग्जाम्पल लिखो, हाँ पहले एग्जाम्पल लिखते ताकि ज्यादा क्लियर हो। उसके बाद ये मैथमेटिकल टर्म लिखो, उसका डेफिनेशन लिखाता मैं। चलो लिखो, देखता हूँ कौन बचा, बस टाइम कम है, अब खत्म करते हैं, जल्दी करो, आज का ही टॉपिक खत्म कर देते हैं। नाइस शर्ट सर, लुकिंग गुड सर, आपके बगैर क्या हो गया? मुझे गर्मी लग रहा है, लेकिन जा जा जा, नौकर बना दो सर को, जुटो ईश्वर, डेली गिराती है, जान मुझे गिराती है ना, कि सर को झुकाना है, कदमों में झुकाना है। कौन ग्रह से आई है लड़की? गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं लग रहा है इसको, क्या पुष्पा गर्मी लग रहा है? पुष्पा कल नहीं, मुझे गर्मी लग रहा है। एग्जाम्पल लिखो, पहले एग्जाम्पल लिखो, घिरा हुआ। क्या मिस्टर मुसीब हैव एनी प्रॉब्लम? छाप लिए सर, लुकिंग गुड सर, इटा बोला नाइस शर्ट सर, ये शर्ट गिफ्टेड है, समझे? फ्री का सामान बहुत चलता है, पता है ना? तुम लोग नहीं, तुम लोग से सिंगर बचा दिया था, शर्ट दिए थे तुम लोग, पहनते हैं हम कभी कभी, पहनते हैं हम। तुम लोग बच्चा लोग आजकल देखते बहुत समझदार हो गया, काम का चीज सब देने लगा है, बड़ा काम का चीज सब देने लगा, शर्ट देता है कभी कभी, कुछ देता है कभी कुछ देता है। ऐसे वो पिछली बार ये लोग दिया था ये ट्राईपॉड, काम आ गया ट्राईपॉड, रखा हुआ अभी तक, लेकिन यूज कर रहे हैं काम का ट्राईपॉड। उससे पहले फिर क्या होता है, पंखा मिला, दो दिन दो बार पंखा मिला था प्रभु वाला, जो खराब में पड़ा हुआ है, जो पड़ा हुआ है, जो देखते जो जो नहीं हो गया, हैंडीकैप हो गया, वो 2011 में मिला था, 2010 में गिफ्ट मिला था, 2010 के एनुअल फंक्शन में मिला था गिफ्ट, अभी तक चला रहा है, हाँ चल रहा है, 10 के 11 में मिला था वो, उषा का फैन। अरे सुनो ना, ये पहले लिख लो, ये डिब्बा वाला बादल वाला एग्जाम्पल, उसके बाद ये लिखना शुरू कर दो प्रभु यहाँ तक, ठीक है? छाप दो हेडिंग, दो इसके लिए चट्टा गए, वे गाना भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बुढ़ा मिल गया, इसके लिए बुढ़ी मिल गई। जल्दी करो, इसको बात करते हैं इसका इम्पोर्टेंट, कल से ना सुनो ना, कल से स्वेटर पहनता ना, जैसे मैं बोल रहे हैं ऐशा, स्वेटर पहन करना कल से, मेरे पास स्वेटर है, दे दे,
नीचे दिखाएंगे पॉइंट सब स्टार्ट देकर के यहाँ सब था कुछ नहीं पहले बोल दिया हम तुम बहुत देर से समझता है जी बजने वाला 11 बजने वाला है जब कल फ्राइडे ना सेम टाइम नो चेंज 10 बजे पक्का स्टार्ट कर देंगे कल छुट्टी 12:15 बजे तक कल 12 बजे तक छुट्टी दे देंगे चंदन को नेट ऑन नहीं किया हुआ आकाश नेट नहीं आज बस लास्ट टॉपिक है ये उसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक बार बताया लेकिन कल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सर आपके बोर्ड को स्कैन करके अपनी पे कॉपी प्रिंट कर लिया क्या बोलता है चट्टा इसका आवाज का इसका आवाज चलो ये क्या बोल रहा है सर आपके बोर्ड को स्कैन करके अपनी अपनी कॉपी पे प्रिंट कर लिया कॉपी कैसे प्रिंट कर लिया होगा टीचर होने का भी तो बहुत फायदा है गिफ्ट मिलता है गिफ्ट पाने के लिए टीचर बनना है ना चलो ठीक है बाबू तुम भी पढ़ लिख लो आईआईटी बन जाओ हम तुमको यहाँ पर मौका देंगे पढ़ाने का कहीं और क्या करेगा बुझाओ पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह डिफाइन किया जाता है क्योंकि जो ए बी जो है ना ये ए बी जो है सो ये डिस्टेंस है ये वाला ये डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस जो होगा वो ए तक बोल दोगे ओके चलो तो इसको जब क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा चलो छोटी छोटी बात लिखो इसका डेफिनेशन लिखो पहले डेफिनेशन खुद से तुम लोग बोले तो डेफिनेशन खुद से बोल क्या लिखोगे डेफिनेशन बताओ लिखो द डिफरेंस बिटवीन खुद से बोलो ना पोटेंशियल्स द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स ऑफ टू पॉइंट्स इज कॉल्ड टेंथ में भी यही परिभाषा पढ़ते रहो दो बिंदुओं के विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं यही है हाँ क्लियर दूसरा इसकी यूनिट क्या होगी बाबू पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पे याद होगा डेल्टा भी बराबर डेल्टा वी और क्या होगा वर्क डन बाय चार्ज पर यूनिट सिंपल फॉर्मूला याद होगा सिंपल फॉर्मूला ठीक है झंझट कर यूनिट होता है उसका यूनिट जो जो इसका पोटेंशियल का यूनिट है भाई इसका भी यूनिट होगा क्या जी बोलो यूनिट इज इसको क्या बोलते हैं वोल्ट हो गया सोचने वाली बात है क्या इट इज स्केलर क्वांटिटी मजाक नहीं कर रहा हो डायमेंशन बोलो डायमेंशन डायमेंशन बताओ
अरे वोल्ट जो होता है जूल पर कूलम होता है, वोल्ट क्या होता है जूल पर, तो जूल क्या एनर्जी, एनर्जी एटम्स होता है, एमएल स्क्वायर टी माइनस टू कूलम का बोलो 80 पढ़ लिया, टी पर जाए तो टी माइनस थ्री कर देगा और ए पर जाओ खत्म। एग्जाम में पूछता है सब ये सब देखो, एक कॉपी जब रिविजन करने के लिए बैठोगे तो ये डायमेंशन यूनिटी सबको इकट्ठा करके देखोगे एक बार, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन सब। बोले रटना क्या यार, इसको भी रटने से क्या फायदा, आगे बढ़े सर। यस गुड, मिले तो कुछ चले तो तुम्हारा किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी मेरी जो खुल खुल मेरा दिल जरा तस्वीर से निकल के सामने आ मेरे महबूबा बेटा जो सुना है हो गया कह जा रहे पानी पी रहे क्या जब सोच कर रही हूँ क्या, अब बोतल क्यों लगाती हो बोतल लगा मिटाओ इसको ये मिटाओ। मैं कुछ क्वेश्चन करने का इरादा रखता हूँ, चलो एक क्वेश्चन तो लोगों ने दिखाना, एक क्वेश्चन लिखो तो एग्जांपल तो समझ में आ जाएगा, एक क्वेश्चन लिखो चलो लिखो एक क्वेश्चन लिखो तो बच्चा, ऑन मूविंग अ चार्ज लिखो, ऑन ओ एन ऑन, ऑन मूविंग अ चार्ज, जी 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 सारे बच्चे नोट क्वेश्चन लिखो ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑन मूविंग अ चार्ज ऑन ओ एन ऑन, ऑन मूविंग अ चार्ज टू कूलम, टू कूलम यानी टू सी, टू सी लिखना है टू किसी, टू कूलम ऑन मूविंग अ चार्ज टू कूलम ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ए, फ्रॉम ए पॉइंट ए, फ्रॉम ए पॉइंट ए ठीक है, वेयर पोटेंशियल इज प्लस ट्वेल्व, वेयर पोटेंशियल इज ट्वेल्व वोल्ट, वेयर पोटेंशियल इज ट्वेल्व वोल्ट, वेयर पोटेंशियल इज 12 वोल्ट ठीक है, आगे लिखो 2a to 2 a अलग 2a ना स्मॉल a 2a दैट फ्रॉम लिखे ना फ्रॉम द 2a लिखे फ्रॉम 2a भाई 2a 12 वोल्ट लिखे 12 वोल्ट का 2 लिखो a लिखो फ्रॉम 2a पॉइंट, फ्रॉम 2a पॉइंट फ्रॉम टू अ पॉइंट बी, कैपिटल बी लिखना कैपिटल बी ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट सॉरी टू ए पॉइंट बी वेयर द पोटेंशियल इज, वेयर द पोटेंशियल इज माइनस ट्वेल्व वोल्ट, माइनस माइनस ट्वेल्व वोल्ट, माइनस
12 वोल्ट कमा दो देन वर्क डन इज व्हाट 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 ऑप्शन 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 बताओ सर क्या होगा ट्राई करो जूल प्लस में कि माइनस में ये बताना है सोचो पहले फिगर बनाओ आइडिया मिल जाएगा दो या पहले कौन पॉइंट है ए पॉइंट है ए पॉइंट पोटेंशियल कितना दिया हुआ है बताओ भी ए दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है प्लस में है और यहाँ पर कितना पॉइंट है बताओ पॉइंट है बी बीस में कितना दिया हुआ है माइनस बड़ा ए से बी ले जाया जा रहा बी से ए ले जाया जा रहा है बताओ ए से बी ले जाया जा रहा है कि बी से ले जाया जा रहा है चार्ज को दो कूलम चार्ज को उठा के ले जा रहे हैं ना वो कहां से कहां ले जा रहे हैं ए से बी ले रहा है क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी दिखाओ ना ये तो फाइनल क्या बोला मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे अभी मैंने जो डेफिनेशन बताया था तो लोगों कैसे लिया था मैंने यहाँ पे ए लिया था यहाँ पे लिया था हाँ तो मैंने पोटेंशियल चार्ज उठा के तो ले थे जल्दी बोलो ये समझो अच्छा से अच्छा समझो मुझे ए से बी लाओगे तो हम क्या करते हैं फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे ना चेंज ना निकालना है क्या निकालना है चेंज कभी भी निकालते कैसे निकालते हैं फाइनल माइनस तो बताओ जब तुम ए से बी चलोगे तो बी फाइनल होगा ए इनिशियल होगा तो बी बी में से बी भी घटाओ कैसे करके और उल्टा सोचो मैं कहूंगा नहीं सर बी से ए ले जाओ कुछ ले जाओ किस में घटाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखोगे बी ए माइनस बी भी लिखोगे क्योंकि फाइनल ये हो जाएगा इनिशियल ये हो जाएगा क्या समझ आ रहा है बात भेजा में गया अरे मैंने जो अभी डेफिनेशन बनाया था कैसे बनाया था ये ए है या ये बी है ये क्या है मेरे चार्ज को कहां से कहां उठा के ले गए थे ए से बी ऐसे ले गए ए से बी चार्ज को कोई भी चार्ज उठा के ले गया ओके तो कैसे लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखोगे बी ए माइनस बी भी लिखोगे बी भी माइनस बी ए लिखोगे बी भी माइनस क्योंकि फाइनल ये है इनिशियल ये है अब उल्टा बोलो अगर तुम बोले चार्ज यहां बी से ए ले आओ बी से तो ये इनिशियल हो गया ये तो बी ए माइनस आप क्वेश्चन में तो बोल दिया कि ए से बी ले जाना कहां जाना ए से बी तो बताओ कैसे करो तो चेंज निकले पोटेंशियल डिफरेंस लिखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखोगे भी भी माइनस भी है भी भी का वैल्यू कितना है माइनस 12 वोल्ट माइनस और भी का वैल्यू बोलो 12 माइनस माइनस 24 वोल्ट क्या समझा गया नहीं समझ लग रहा है अब बताओ इसका फॉर्मूला ये बताओ कैलकुलेशन बताओ हो गया आंसर बन गया कहां पर वर्कडन निकालना है तो वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता था पहले पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता क्या होता है वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज ओके क्रॉस ना करो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा भी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ कितना कूलम चार्ज है ये क्यू हो गया रख दो 2 माइनस 24 कितना होगा आंसर आंसर प्लस माइनस का भी फर्क समझ में आना चाहिए गलती कहां से है ए से बी लेगा तो फाइनल कौन हो गया बी इनिशियल हो गया ए अगर बी से ए लेने के लिए बोलता तो फाइनल ए लेता इनिशियल तो हमेशा चेंज कैसे निकलते हैं फाइनल माइनस इनिशियल अब क्लियर हुआ ये प्लस माइनस की वजह से बहुत बड़ा फर्क हो जाता है एक क्वेश्चन की चेंज होने की वजह से लाखों में बच्चा पिछड़ जाता है नीट वाले में जी वाले में तो रे प्लस माइनस की वजह से अब कितना आंसर सुनो कितना 48 सब मिल गए ना
हो गया 48 तो हो गया ना, खुश 48 तो आ गया, चाहिए आंसर चाहे कहा सर का बच्चा छूट गया बीच का सर। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा प्लीज सर। ओ क्या पांडे जी तुम कमाल करती हो। एक काम करो ना राबो, एक क्वेश्चन यही उतार लो, एक क्वेश्चन समझ जाओ। ये क्वेश्चन देख लो जो लिखा हो यहाँ, मैं जहाँ पे उंगली दिखा रहा हूँ। ना ना कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है तुम्हारा, यही क्वेश्चन है तुम्हारा, दोबारा क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, एग्जाम आना है, कभी कभी समझना भी बात को है। हम समझ रहे हैं तुमको खट्टा खाने का मन कर रहा है, समझ रहे हैं। गोलगप्पा पसंद है, गोलगप्पा पसंद है, गोलगप्पा वो न पसंद होगा। जिया जी को एक दिन पकड़ोगे, जिया जी आएंगे ना तो जिया जी चलिए ना, चलिए ना ले आगे। नहीं मानते तुमको, अच्छा लालची वाली बात क्या है, जिया जी आते हो तुमको खुद बोलते हो चलो घुमा देते तुमको, नहीं बोलते सच बोल दो, अगर सच नहीं बोली झूठ बोलते नहीं बोलते कहते, अगर कभी आते हैं मान लो कभी भी तो बोलते ना कि चलो घूमने घुमा देते तुमको, ए झुट्टी मान ही नहीं सकते, झूठ बोल रही है तुम, गलत बात झूठ बोल रही है तुम, हकीकत बयान नहीं कर रही हो, बोलते है ना अब वाह। अच्छा किसी और की जीजा जी आज होने दो तो फिर उसको भी टाइम जो मिलेगा तुमको, अभी तुम्हारे जीजा जी इस बैच में तुम्हारी जीजा जी आप किसी का है नहीं, किसी और के होंगे तो उसको भी बोला जाएगा, चिंता नहीं करो। हो गया ये, कोई डाउट किसी को ऑनलाइन में, किसी को डाउट है बाबू? ओके सर आगे बढ़िए सर, ओके चलो समझ में आ गया क्वेश्चन क्या हुआ। ए से बी लेंगे तो बी बी में से बी घटाएंगे, बी से ए लाएंगे तो ए में से बी घटाएंगे, ताकि फाइनल माइनस इनिशियल। अरे समझ गई? अच्छा एक सोचने वाली बात है, कहा गया माइनस 8 जूल वर्क डन क्यों करना पड़ा? ए सुनो ना बच्चा बताओ, चार्ज जो होता है सुनो ना, निगेटिव वर्क डन क्यों आया जानते हो? प्लस क्यू चार्ज है ना, प्लस क्यू चार्ज इधर है क्योंकि सब तो ये प्लस क्यू चार्ज है, यानी प्लस मान लो या माइनस मान लो तो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्लस से माइनस, तो वर्क डन जो हो रहा होगा कैसे हो रहा होगा, वर्क डन अपोजिट यानी कि एक्शन वर्क डन है, ये क्या है वैसे कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ये तुमको इसे याद रखना है कि जब भी तुमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा ना तो जिस पॉइंट से तुमको ले जाना होगा उसको इनिशियल बोलोगे, जहां ले जाओगे उसको बोलोगे, तो हमेशा फाइनल माइनस समझा ऐसे घटाओगे, कभी भी उल्टा नहीं कर देना। अभी अगर तुमने थोड़ा सा भी उल्टा पटक किया प्लस आंसर आया था, मिटा दो इसको आप, जैसे कि आकाश कहा गया था अभी इन भी हुआ, तुम चिंता क्या करो, मैथ पढ़ाएंगे ना 10 मिनट और पढ़ो ना, थक जाओगे यार, छोड़ो हटाओ नहीं पढ़ाएंगे तो मैथ स्टार्ट करो, खत्म करो हटाओ, चलो मैथ स्टार्ट करता है, मेरा बहुत कुछ पढ़ने का मन था, मेरा पढ़ाने का बहुत मन था, चलो ठीक है मैथ स्टार्ट करता, चलो चलो मैथ स्टार्ट करता, सिर्फ 2 मिनट। ओके सर, ओके आ जाओ मैथ के लिए आ जाओ, मैथ के